अध्याय 11 से 20 किंग फैंग पर्वत की गहराई के जंगल के अंदर वहां की आकृति ने छलांग लगा दी। उस झांग परिवार के युवा मास्टर की हत्या को 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन हो गए, वह सीधे जंगल में भाग गया। उस चट्टान को छोड़ने के बाद उसे अधिक समय नहीं लगा। उसे पता चला कि कोई उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लगभग कई बार पकड़ लिया। एक शिवेन के विचार खराब थे, इस बार उसने शायद वास्तव में किसी महान व्यक्ति को मार डाला। अन्यथा 3 दिन और 3 रातों के बाद इतनी दूर जाने की संभावना नहीं थी। इसके अलावा ऐसा लगता था कि झांग परिवार के अधिक से अधिक लोगों को खबर मिल गई थी। लेकिन ये जिवेन को कोई पछतावा नहीं था। एक असली आदमी ने वही किया जो उसने किया। आखिरकार झांग परिवार के युवा मास्टर ने बहुत दूर चला गया। टीएल बोलचाल में वास्तविक पुरुष हेमैन है। हे अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। ये जीवेन अचानक उछल पड़ी, हरी भरी शाखाओं की ओर उड़ते हुए, अपने शरीर को ढांकते हुए। कुछ ही समय पहले 2 लोगों का एक दल ये जीवेन की पोजीशन पर पहले ही आ चुका था, एक लंबा और एक छोटा। दोनों ने झांग परिवार के योद्धा परिधान पहने। पैरों के निशान यहाँ कैसे नहीं है, अभी अभी कुछ थे, उस दुबले पतले योद्धा ने कहा। अब जो भी हो पीछा करना सुनिश्चित करें, परिवार के मालिक गुस्से में हैं, हत्यारे को पकड़ना सुनिश्चित करें। जब तक वह कातिल पकड़ा जाता है हमारी सफलता दूर नहीं है, उस डंपी योद्धा ने घोषणा की। मरना, उस योद्धा विशेषज्ञ ने तुरंत एक शूटिंग हथेली, एक तीर की तरह आकृति, ऊपर की जगह की ओर शूटिंग की। मूल रूप से उन्होंने उसे कुछ समय पहले ही खोज लिया था, ये शब्द उसे आराम करने के लिए कह रहे थे। ये जिवेन तत्काल उदास हो गया, वह अभी भी बहुत लापरवाह था, अनुभव में अभी भी वास्तव में बहुत कमी थी। पैरों के निशान यहाँ गायब हो गए, उन्होंने खोज लिया था। पहले उसे ललकार रहा था, अब एक आश्चर्यजनक हमला। अगर ये शिवेन ने लगातार सतर्कता नहीं बरती तो अभी अभी अचानक हुए हमले से ये शिवेन गंभीर रूप से घायल हो सकती थी। ये जिवेन ने हाथ बढ़ाया, एक कर्कश गड़गड़ाहट की आवाज, 8वीं प्रतिध्वनि। ये शिवेन अपनी पूरी ताकत से इसका इस्तेमाल करने आई थी। जैसे ही मामला खड़ा होता है वह किसी भी लापरवाही हथेली को नीचे दबाने की हिम्मत नहीं करता था। काला, केवल एक कला की आवाज सुनाई दे रही थी। इस दुबले पतले योद्धा की बांह अचानक ये जिवेन के सीधे प्रहार से टूट गई। हावतन चोटी के 5वें चरण का योद्धा संभवतः ये जिवेन की 5 बाघों की शक्ति को कैसे रोक सकता है। अशिंग थंडर हैंड की 8वीं प्रतिध्वनि की पूरी ताकत का जिक्र नहीं। वह दुबला पतला योद्धा चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। ये जिवेन ने एक मोटी और ठोस शाखा पर कदम रखा, अचानक एक तीर की तरह आकृति उस दुबले पतले योद्धा की ओर उसका पीछा करने के लिए गिर पड़ी। पेंग, ये जिवेन ने पकड़ लिया। अशिंग थंडर हैंड ने उस दुबले पतले योद्धा के शरीर पर जमकर हमला किया। वह दुबला पतला योद्धा बुरी तरह चीखा, एक शिवेन ने उसे बुरी तरह से विकृत कर दिया, एक चाल में मारा गया। बबवा, तुम मौत का फैसला करते हो, उस ढोंगी योद्धा ने देखा कि वास्तव में उसके साथी को एक शिवेन ने गोली मार दी थी। तुरंत क्रोधित होकर एक मुक्का दागा, जैसे क्यूई ऊर्जा का एक तेज तीर एक शिवेन की ओर चला गया। पेंग, ये जिवेन ने डंपी योद्धा की मुट्ठी ऊर्जा को तितर बितर करने के लिए सीधे उसका स्वागत किया, तुरंत आगे बढ़ते हुए एक हथेली को बाहर निकालते हुए उसके बाद एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वह ढोंगी योद्धा तुरंत घबरा गया और ब्लॉक करने के लिए हाथ उठा लिया, सीधे एक शिवेन की शूटिंग हथेली से उसकी बांह टूट गई। तुरंत एक रक्त दही कर्कश दे रही है, शरीर जमीन पर लुढ़क रहा है, अप्रत्याशित रूप से सीधे भागने के लिए घूम रहा है। अब तक वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वो एक शिवेन को बिल्कुल नहीं संभाल सकता। केवल एक शिवेन दूसरे व्यक्ति को कैसे जाने दे सकती थी, केवल एक हाथ फैलाना। थोंग लोंग लोग, आंधी की आवाज। ये जिवेन की गति बिजली की तरह तेज थी, एक झटके में उस खूनखार योद्धा की पीठ पर जा लगी। उस डिम्पी योद्धा ने आंतरिक अंगों के साथ मिलकर मुंह भर खून छिड़का। ये जिवेन की शूटिंग हथेली ने मुंह से छींटे मारते हुए 5 अंगों और 6 हाथों को टुकड़ों में तोड़ दिया। थोंग, उस डिम्पी योद्धा का मोटा शरीर 2 कदम आगे बढ़ा, जमीन में धस गया। ये जिवेन ने राहत महसूस की, अगली बार उसे बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहिए। बबवा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वास्तव में मेरे झांग परिवार के आदमियों को मारने की हिम्मत। इसी समय ऊपर की शाखाओं में एक व्यक्ति की छाया दिखाई दी।
ये ज़िवेन ने ऊपर देखा, यह लगभग 20 वर्षीय सुंदर चेहरे वाला काले कपड़े वाला युवक था। आप मुझे पहले मार सकते हैं, मैं केवल जवाबी हमला करूंगा, ये ज़िवेन बोली। हिंग परिष्कार, भले ही तुमने मेरे झांग परिवार के आदमियों को मार डाला हो, तुम भी बिना किसी लड़ाई के आज्ञाकारी रूप से नीचे चले जाओगे, उस काले कपड़े वाले युवक ने दबंगई से कहा। काफी दबंग, ये ज़िवेन ने उपहास किया। दबंग दबंग, तुम मुझसे कैसे निपट सकते हो, वह काले कपड़े पहने युवक जंगली ढंग से हंसा। अनगिनत शाखाओं को सीधे नीचे गिराते हुए एक दुर्जय थोपने का तरीका जारी किया गया था। अप्रत्याशित रूप से हाउटियन छठे चरण के अंत में उस काले वस्त्र वाले युवक की हथेली उलट गई, हथेली ब्लेड बन गई। जेन क्यूई ने सीधे स्प्रे किया, एक लंबे ब्लेड के रूप में संघनित हो गया, ब्लेड कट गया। ब्लेड क्यूई ताना मार रही है और बुनाई कर रही है। ये ज़िवेन अचानक बहुत चकित हो गया, वह जानता था कि जेन क्यूई को एक हथियार के रूप में संघनित करने के लिए केवल एक ज्यानटियन डोमेन स्तर की क्षमताओं की ताकत के साथ ही ज्यानटियन के विशेषज्ञ क्यूई को गिरोह में शामिल कर सकते हैं। सामान्य हथियारों की तुलना में गिरोह के हथियारों से निपटना और भी कठिन था, जादुई हथियारों की तुलना में भी इससे निपटना मुश्किल है, ब्लेड क्यूई का सामना करना पड़ रहा है। एक शिवेन ने इसे सीधे प्राप्त करने का साहस नहीं किया, हालांकि उसके हाथ में कोई ब्लेड नहीं था, यह ब्लेड क्यूई निश्चित रूप से असली थी। ये ज़िवेन बहुत चिल्लाया, एक हथेली एक गोल गड़गड़ाहट के आकार की जेन क्यूई का स्वागत करते हुए बाहर निकल रही थी। होंग पिंग, ये ज़िवेन की जेन क्यूई, हालांकि अधिकांश ब्लेड क्यूई का प्रतिकार करती है, ब्लेड क्यूई के अवशेष अभी भी पहाड़ ये ज़िवेन पर जमकर प्रहार करते हैं। केवल इस हित से ये ज़िवेन को कुछ आंतरिक चोटें आईं। हाँ हाँ, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी होकर बिना लड़ाई के नीचे चले जाओ। हालांकि तुमने मेरे छोटे भाई को मार डाला, तुमने मारना अच्छा है, हाँ हाँ हाँ, देखो इस बिंदु पर मैं तुम्हें अक्षुण छोड़ दूंगा। काले कपड़े पहने वह युवक जोर से ठहाके लगाकर हंस पड़ा। ये ज़िवेन ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उपहास किया, तुम बहुत बकवास करते हो, चाहते हो कि मैं बिना लड़ाई के नीचे जाऊं, असंभव, फिर मर जाओ। काले कपड़े पहने युवक के हाव भाव में पागलपन की झलक दिख रही थी। जेन क्यूई ब्लेड नृत्य के हाथों में ब्लेड क्यूई काट दिया। मक्खन के माध्यम से एक गर्म चाकू की तरह ये शिवेन की ओर बढ़ते हुए हवा को सीधे विभाजित करता है। होंग जेन क्यूई ने ये ज़िवेन के शरीर पर हमला किया, गहरी हड्डियां स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, ये ज़िवेन ने एक कराह दबाई। ये ज़िवेन की आंखों के भाव में भी पागलपन का संकेत झलक रहा था, उसने लड़ने का फैसला किया। कहने की जरूरत नहीं है कि उसकी ताकत और काले कपड़े पहने जवानी के बीच बहुत अंतर था। उस काले कपड़े पहने युवक की विस्फोटक शक्ति कम से कम 7 बाघों की शक्ति के बराबर थी, उसकी तुलना में 2 बाघों की शक्ति से अधिक। फिर से एक लंबी दूरी का हमला, इस तरह नीचे जाकर वह केवल निष्क्रिय रूप से मार खा सकता था। अशिंग थंडर हैंड की बेहतर ताकत की 8वीं प्रतिध्वनि प्रदर्शित करते हुए उसके पास अपने धमकाने वाले शरीर के साथ इसका सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। द अशिंग थंडर हैंड की 8वीं प्रतिध्वनि पहले ही पूर्णता के चरण में पहुंच चुकी है। एक हथेली ने अंतहीन दुर्जय शक्ति को बाहर निकाल दिया। एक शिवेन के लिए यही एकमात्र मौका था। जब ये ज़िवेन ने दृढ़ता से इतना सहन किया, पीछे नहीं हटे, तो पैर के कदम के बजाय जेन क्यूई फट गया और जमीन में गहरे पैरों के निशान फैला रहा था। एक तीर की तरह आकृति बाहर उड़ रही है। काले कपड़े पहने उस युवक को उम्मीद नहीं थी कि ये ज़िवेन वास्तव में तेजी से इस हमले का विरोध कर सकती है। जब तक उसने प्रतिक्रिया की, ये ज़िवेन पहले ही पास से भाग चुका था। तुरंत कुछ आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर ब्लेड फिर से कट गया। ब्लेड क्यूई विकृत और बाने, एक शिवेन दूसरे व्यक्ति को कैसे हमला करने दे सकती थी। एक हथेली सीधे उस काले कपड़े पहने युवक की कलाई को पकड़ने के लिए फैली हुई थी, जेन क्यूई ब्लेड तुरंत रुक गई। काले कपड़े पहने उस युवा की ताकत अभी भी ये ज़िवेन से बड़ी थी, केवल एक सेकंड के लिए रुकी, फिर नीचे गिर गई। लेकिन इस दूसरे विभाजन में यह पहले से ही काफी था, एक शिवेन ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी। अशिंग थंडर हैंड 8वीं प्रतिध्वनि, तूफान की तरह गुजरो और हवा की तरह चलो, ये ज़िवेन चिल्लाया, वज्र के आकार की जेन क्यूई के साथ अपना दाहिना हाथ घुमा रही थी। हथेली काले कपड़े पहने युवक के सीने में जा लगी।
पेंग उस काले वस्त्र वाले युवक को सीधी हथेली से पीटा गया। पतंग की टूटी डोर जैसा शरीर, उल्टा उड़ना, ऊपर उड़ना, फिर भयंकर रूप से जमीन पर गिरना, ये ज़िवेन की पिटाई से बहुत सारी हड्डियां टूट गईं। वह गाय की तरह हवा के लिए हौंफने लगा। काले कपड़े पहने युवक ने ये ज़िवेन पर अपनी आंखें खोली, कुछ अविश्वसनीय रूप से कह रहा था, तुम वास्तव में मुझे छाया देने की हिम्मत करते हो। इससे भी अधिक यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये ज़िवेन वास्तव में इतनी पागल थी। उस पर हमला करने के लिए उसने वास्तव में उसकी हड़ताल को पूरी तरह से सहन कर लिया, जिसे पागल कहा जा सकता है। अरे, ये ज़िवेन ने अपना खून बहना बंद कर दिया, रंग कुछ घातक पीला। अभी अभी गहरे फटे हुए खुले घाव में हड्डी दिखाई दे रही थी, रक्त का प्रवाह अंतहीन था। अब ये ज़िवेन अपने आप को थोड़ा सा स्थिर करने के लिए स्वतंत्र थी। ये ज़िवेन ने जमीन पर गिरे हुए का सामना करते हुए और समय बर्बाद नहीं किया। सिर से पांव तक काले कपड़े पहने युवा शक्तिहीन की ओर भाग रहे हैं। तुम मुझे मार नहीं सकते। इस समय काले कपड़े पहने युवक आखिरकार कुछ घबराया हुआ था, कह रहा था, मैं झांग परिवार का युवा गुरु हूँ, अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। लड़ाई शुरू होने के बाद तुम मेरे लिए मर जाओगे। ये ज़िवेन समझ गए थे कि उन्हें इस काले कपड़े पहने युवक को नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा भविष्य में परेशानी होगी, निश्चित रूप से बहुत बड़ी। उन दिनों के अनुभव ने उन्हें बताया, आप कोमल हृदय नहीं हो सकते। यह दुनिया कमजोरों से भरी थी, जो जंगल के कानून मजबूत के शिकार थे। ये ज़िवेन काले कपड़े पहने उस युवक की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ी। तुम भाड़ में जाओ। उस काले कपड़े वाले युवक के चेहरे पर अचानक एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई दी। अचानक एक हाथ लहराते हुए एक ब्लेड वर्धमान चांद ब्लेड क्यों ही बह गया और ये ज़िवेन का सिर काटने के लिए आगे बढ़ा। ये ज़िवेन ने इस पहले खतरनाक जवाबी हमले को चकमा देते हुए अपने पैरों पर मुहर लगाई। उन्होंने बार बार खुद को विवेकपूर्ण होने की चेतावनी दी। इससे बचाव कैसे नहीं हो सका। अशिंक थंडर हैंड 8वीं प्रतिध्वनि। जंगल में गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उस काले कपड़े पहने युवक का भयभीत चेहरा और अधिक तीव्र हो गया। पेंग, एक चीख पुकार के बाद वह काला कपड़ा आखिर गहरी अनिच्छा से गुजरा। ये ज़िवेन ने देखा कि आखिर में काले कपड़े पहने युवक को उसके द्वारा मार दिया गया। तुरंत आराम करते हुए नीचे जमीन पर बैठकर घूम घूम कर हवा लेने के लिए हौंफते हुए, ज्यादा आराम न करते हुए ये ज़िवेन उठ खड़ा हुआ और तीन लोगों के शरीर को लूटना शुरू कर दिया। हत्या, खजाने को जब्त करना, वे अक्सर एक साथ होते थे। हावतन 5वें चरण के विशेषज्ञ के शरीर पर उन्होंने 20 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पाए, इसके अलावा 120 चांदी के नोट भी। फिर ये ज़िवेन ने काले कपड़े पहने युवक के शरीर की तलाशी शुरू की। ये ज़िवेन को एक सुखद आश्चर्य मिला, काले कपड़े पहने इस युवक के शरीर में अप्रत्याशित रूप से एक स्टोरेज रिंग थी। इसके अलावा इसका आकार छोटा नहीं था, वास्तव में आकार में लगभग 100 घन मीटर को पार कर गया था। यह भंडारण के छल्ले के साथ ज्ञात होना चाहिए और इस तरह स्थानिक प्रकार के सामान सबसे महंगे थे। भले ही आकार में केवल 10 घन मीटर हो, इसके लिए कम से कम 100 स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता होती है, लेकिन 100 क्यूबिक मीटर में कम से कम 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर लगे। ये युआन स्कूल में केवल उन जियानिटियन डोमेन स्तर के बुजुर्गों के पास इसे खरीदने के लिए वित्तीय संसाधन थे। ये ज़िवेन ने केवल अपने पालक पिता ये कोंगमिन के शरीर को देखा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काले कपड़े पहने इस युवक के पास वास्तव में 100 क्यूबिक मीटर स्टोरेज रिंग है। वास्तव में एक झांग परिवार के युवा गुरु के योग्य। भंडारण की अंगूठी प्राप्त करने के बाद ये ज़िवेन ने एक सम्मोहित जानने वाली नजर से खोजा, तुरंत आनंदित हो गए। जैसा कि अपेक्षित था, इस काले कपड़े पहने युवक की तुलना करने के लिए आगे बढ़ने पर हॉटियन 5वें चरण के 2 विशेषज्ञ महत्वहीन हो गए। स्टोरेज रिंग के भीतर केवल 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे, जिससे ये ज़िवेन को कुछ समय के लिए स्पिरिट स्टोन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। स्पिरिट स्टोन के अलावा 12000 चांदी के नोट भी थे। बेशक ये ज़िवेन के लिए सबसे सुखद आश्चर्य इस स्थानिक रिंग के अंदर था। इसमें अप्रत्याशित रूप से एक मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक थी। ठीक उस काले कपड़े वाले युवक की तरह जो कुछ समय पहले क्यूई को गिरोह में संघनित करने का रहस्य था। जब यह काले कपड़े पहने युवक हाउटियन 6वें चरण में था, तो वह उसे शियानशन डोमेन स्तर की शक्ति प्राप्त करने दे सकता था।
यह शक्ति तकनीक निश्चित रूप से सामान्य से बाहर थी। इस शक्ति तकनीक को कोल्ड मून बिहेवियर कहा जाता था, अप्रत्याशित रूप से एक ज्यानटियन स्तर की शक्ति तकनीक। कोल्ड मून बिहेवियर में पूरी तरह से तीन परतें थी। पहली परत को न्यू मून बिहेवियर कहा जाता था, दूसरी परत मिसिंग मून बिहेवियर थी और तीसरी परत फुल मून बिहेवियर थी। न्यू मून बिहेवियर को माहिर करना मध्य स्तर के बिजली कानूनों की ताकत से तुलना कर सकता है। मिसिंग मून बिहेवियर को माहिर करना उच्च स्तरीय बिजली तकनीकों की ताकत से तुलना कर सकता है। यदि तीसरी परत फुल मून बिहेवियर में भी महारत हासिल थी तो यह ज्यानटियन स्तर की शक्ति तकनीकों की शक्ति को प्रदर्शित कर सकता था। इसे असीमित माना जा सकता है। मूल रूप से ये जीवन ने भविष्य में कमजोर बिंदुओं के लिए एक हथियार मार्शल आर्ट सीखने पर भी विचार किया। अब इस समस्या की पूरी तरह से भरपाई करने के लिए उनके पास यह कोल्ड मून बिहेवियर था। कोल्ड मून बिहेवियर का उपयोग पहले से ही एक लंबा ब्लेड जारी करने के लिए किया जा सकता था। यह क्यूई को एक गिरोह में संघनित कर सकता था। यहाँ तक कि अगर क्यूई को गैंग में संघनित करने के अनूठे तरीकों के सेट थे तो जेन क्यूई को एक अतुलनीय रूप से दृढ़ लंबे ब्लेड में बनाकर यह कोल्ड मून बिहेवियर की शक्ति को प्रदर्शित करने में सक्षम था। बेशक अगर कोई हथियार होता तो उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से थोड़ी मजबूत होती। एक शिवेन ने तुरंत सब कुछ स्थानिक रिंग में डाल दिया, फिर तेजी से यहाँ से चली गई। जो समूह ये जीवन को मारने के लिए पीछा कर रहे थे, छोड़ने वाला हर समूह बहुत तंग था। यह अनुमान लगाया गया था कि जल्द ही गतिविधि की आवाज सुनकर वे आ जाएंगे। अब ये जीवन की स्थिति के पास वास्तव में निम्नलिखित समूहों से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे चंगा करने के लिए एक जगह मिलनी चाहिए। ये जीवन कुछ ही देर में वहां से चला गया जब 5 लोगों का एक छोटा समूह पहले ही यहां आ चुका था, जिसका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र का आदमी कर रहा था जिसके चेहरे पर एक लंबा निशान था। जमीन पर पड़ी 3 लाशों को देखकर उसका रंग तुरंत राख हो गया, खासकर उस युवा मास्टर की लाश। इससे उसकी पलकें उछलने लगी, निशान वाला चेहरा तेजी से और अधिक द्वेषपूर्ण होता जा रहा था। पीछा करो, इस हत्यारे को मारना सुनिश्चित करो, उसने मेरे झांग परिवार के 2 युवा स्वामी को मार डाला। यदि आप उसे पकड़ने में असमर्थ हैं, तो उपयोग करने वालों को मरना ही होगा, जख्मी आदमी ने बहुत जमकर कहा। पूरे शरीर का थोपने का तरीका पूरी तरह से बाहर निकल गया, अप्रत्याशित रूप से एक शिखर 7वें चरण का विशेषज्ञ। हमारे आदमियों को सूचित करो, मेरा पीछा करो, इस हत्यारे को मारना सुनिश्चित करें, इसके टुकड़े टुकड़े कर दें। संदिग्ध लोगों को ढूंढो, उन्हें मार डालो, गलत काम करने वालों को जाने देने के बजाय उन्हें मार डालो। हाँ, अन्य कई योद्धाओं ने एक के बाद एक सलामी दी। पूरे जंगल में एक तीखी और चुभने वाली आवाज गूंज रही थी। यह झांग परिवार के इकट्ठा होने का संकेत था। एक शिवेन पहले ही काफी समय के लिए दूर चली गई थी, फिर भी इस भेदी आवाज को सुना। अचानक उसका दिल धड़कने लगा। यह झांग परिवार का संकेत था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सचमुच उसका सर्वनाश कर देना चाहिए। उसे इन पीछा करने वालों से छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना होगा, अन्यथा ये जीवन जिसने पहले से ही झांग परिवार के 2 युवा मालिकों को मार डाला था का पूरी तरह से पृथ्वी के छोर तक पीछा किया जाएगा और दूसरी तरफ से मार दिया जाएगा। यह सोचते ही ये जीवन की छाया जंगल में पिघल गई। एक दिन बाद एक विशाल वृक्ष की एक शाखा के ऊपर ये जीवन आराम की सांस लेते हुए पालथी मारकर बैठ गई। शरीर के घाव लगभग ठीक हो गए थे। ब्राइट जेड पावर का उपचार प्रभाव असामान्य रूप से अच्छा था। अगर धरती पर इस तरह की चोट लगी हो तो उसे पूरी तरह से ठीक होने में कम कुछ महीने लगेंगे, लेकिन यहाँ केवल एक दिन में इसे पहले ही लगभग बहाल कर दिया गया था। युद्ध की शक्ति वास्तव में चमत्कारी होती है। इस दौरान वह इधर उधर छिप गया था। अधिक से अधिक झांग परिवार के पुरुष पीछा करने वाले रैंकों में शामिल हो गए। झांग परिवार के शिष्यों ने इस क्षेत्र में स्वयं को संयमित किया। हालांकि वे ये शिवेन की शक्ल नहीं जानते थे और प्रत्येक व्यक्ति जिसने ये जीवन को देखा था उसे ये जीवन ने मार डाला था, यह उन्हें ये जीवन का पीछा करने से नहीं रोक सका। जो लोग पहले संदिग्ध दिखते थे वे सभी उनके द्वारा पकड़ लिए गए और मारे गए। वे गलत तरीके से 3000 को मार देंगे, एक को नहीं छोड़ेंगे। एक दिन के लिए पीछा करते हुए रुकने का जरा सा भी अर्थ न होना। ये जीवन ने झांग परिवार के 2 युवा गुरुओं की हत्या कर दी। झांग परिवार उग्र नहीं हो सका।
इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक विशेषज्ञ प्रकट हुए, अधिक से अधिक शक्तिशाली। इनसे छुटकारा पाने का कोई उपाय सोचना चाहिए, नहीं तो इनकी जीवटता को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर देना चाहिए। हो अचानक लगातार जानवरों की दहाड़ सुनाई दी, जो एक वानर या बंदर के रोने की तरह लग रहा था, जो अनगिनत बार बढ़ गया था। क्षितिज में प्रतिध्वनित हिंसक वानरों की संख्या ज्ञात नहीं थी। ये जीवें तुरंत खड़ी हो गई, एक और बड़े पेड़ पर छलांग लगाते हुए तेजी से उड़ते हुए उस जगह की ओर गई जहां से आवाज आ रही थी। बहुत दूर ये जीवें ने 100 से अधिक विशाल वानर देखे। केवल यह देखते हुए कि इन विशालकाय वानरों के शरीर पर चांदी जैसे सफेद बाल लिपटे हुए थे, लगभग 2 मीटर से अधिक लंबे और भयंकर चेहरे के नुकीले, अत्यंत उग्र आयरन बैक सिल्वर एप्स की एक टुकड़ी वानर प्रकार के दानव जानवर किन फेंग पहाड़ों में बिल्कुल भी दुर्लभ नहीं थे। कई समुदाय थे, इनमें आयरन बैक सिल्वर एप प्रसिद्ध था। इन हिंसक वानरों में से प्रत्येक के पास अत्यधिक शक्ति थी। पूरी तरह से विकसित आयरन बैक सिल्वर एप्स 4 बाघों की शक्ति को पार कर सकता है। हाउतन 5वें चरण के योद्धाओं से कम नहीं, बाघों और तेंदुओं को चीरने में सक्षम, शरीर मजबूत और मजबूत था जैसे कि स्टील बार। तलवारों और भालों को घुसने में कठिनाई होती थी। श्वेत श्वेत वानरों की जबरदस्त टुकड़ी के अंदर एक सुनहरा लौह पीठ वाला रजत वानर वृक्षों के ऊपर उदात्त रूप से खड़ा था। 3 मीटर के करीब एक विशाल चांदी के वानर की तुलना में यह बहुत लंबा था। यह एक आयरन बैक एप किंग था जो बेहद भयानक था। मानव जाति की वर्गीकरण पद्धति के अनुसार यह निश्चित रूप से असाधारण रूप से मजबूत हॉटियन 8वें चरण से आगे निकल गया। 100 से अधिक सिल्वर बैक एप्स पैमाने से यह पहले से ही छोटा नहीं था। ये जीवेन को अचानक आने वाले झांग परिवार के आदमियों का उपयोग करने का विचार आया। आयरन बैक सिल्वर एप एक प्रकार का जीव था जो अपने डोमेन के बारे में असामान्य रूप से परवाह करता था। कोई भी जीव जो अपने डोमेन तक पहुंचने का प्रयास करता है उसे उत्तेजना के रूप में देखा जाएगा, फिर वे उन्हें चीर देंगे। जब वह क्षण आया तो ये शिवेन बचने के लिए मुश्किल पानी में मछली पकड़ सकती थी। अपना मन बनाते हुए ये जीवेन झांग परिवार समूहों की ओर मुड़ गया। जंगल के अंदर झांग परिवार के योद्धाओं के एक समूह ने कुछ भी खोजने की कोशिश करते हुए ये जीवेन के गुजरने के निशानों को ध्यान से खोजा। अब सीनियर्स ने पहले ही ये शिवेन को पकड़ने का आदेश दे दिया है। मारने के लिए, बल्कि गलत तरीके से मारने के लिए उसे फिसलने न दे। अचानक एक पेड़ के ऊपर एक छाया नीचे कूद गई। होंगलोग लोग गड़गड़ाहट की आवाज। एक बड़ा हाथ ऊपर से नीचे गिरा। पेंग समूह के अंदर एक योद्धा को तुरंत एक हिंसक मौत मिली। यह व्यक्ति हत्यारा है जिसने हमारे झांग परिवार के कई लोगों को मार डाला, उसे पकड़ लो। तुरंत एक योद्धा ने रोते हुए ये शिवेन को पहचान लिया। ये जीवेन ने एक योद्धा को मार डाला और फिर भागने के लिए मुड़ा। पीछे झांग परिवार के योद्धाओं ने तुरंत उसका पीछा किया। कई छलांगों के बीच ये जीवेन जंगल में डूब गई। पीछे झांग परिवार के विशेषज्ञों का पीछा अधिक से अधिक हो गया। एक भव्य दर्जनों लोग, पीछा करो, आज हमें हत्यारे को पकड़ना चाहिए, उसे मार डालो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। उसने हमारे झांग परिवार के आदमियों को स्थानांतरित करने की हिम्मत भी की। युवा आकाओं का बदला लेने के लिए मार डालो, बबुआ, मेरे लिए मरो। एक धमाकेदार चीख। वह मध्यम आयु वर्ग का जख्मी चेहरे वाला आदमी ये जीवेन का पीछा करने और उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो गया। ये जीवेन पीछे से कई दुर्जय हत्या के इरादों के माहौल को महसूस कर सकती थी, तुरंत उपहास कर रही थी। चलो, जितना अधिक आ रहा है उतना ही उसे अशांत जल में मछली पकड़ने का अवसर मिला। पीछा करने वाले अधिक से अधिक करीब आ रहे थे। उसी समय आयरन बैक सिल्वर एप समुदाय का क्षेत्र भी दृष्टिगोचर हो रहा था। ये जीवेन ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया, उसे दूर आयरन बैक सिल्वर एप्स की ओर फेंक दिया। इसके तुरंत बाद ये जीवेन ने गोता लगाया, घनी झाड़ियों में भाग गया, जमीन पर रेंगते हुए अपने पूरे वातावरण को छुपाते हुए। पेंग, उस बड़े पत्थर ने सीधे उस लोहे की पीठ वाले रजत वानर को बेहोश कर दिया। ये जीवेन की ताकत बड़ी थी, जिसकी गणना 500 किलोग्राम तक की गई थी। आयरन बैक सिल्वर एप का शरीर लोहे की तरह मजबूत था। एक साधारण दानव जानवर के लिए यह क्रूर प्रहार उसके सिर को चीरकर अलग कर सकता था। नया आयरन बैक सिल्वर एप्स की टुकड़ी गुस्से में थी। किसी ने वास्तव में उनके क्षेत्र पर हमला किया, उनके समुदाय पर हमला किया।
एक के बाद एक ऊपर की ओर दहाड़ते हुए दोनों हाथ छाती को पीटते हैं। प्रचंड वायु राक्षसी थी। आयरन बैक सिल्वर एप्स की टुकड़ी का नेतृत्व उस वानर राजा ने किया जो अभूतपूर्व गति के साथ एक शिवेन की दिशा में तेजी से बढ़ रहा था। पेड़ों पर इन मांसल बड़े आदमियों की गति बेहद तेज थी। हाथ शाखाओं पर लटके हुए, हाथों को बीच में बदलते हुए कई मीटर दूर छलांग लगाते हुए। इस समय झांग परिवार के लोग ये जिवेन को मारने के लिए पीछा कर रहे थे। ये चिल्लाते हुए पर्याप्त हत्यारे भावना के साथ ये जिवेन को मारने के लिए पहुंचे। दोनों पक्ष कुछ हद तक बिना तैयारी के पकड़े गए। जंगल के अंदर दृष्टि की रेखा बाधित हो जाएगी। यह उल्लेख नहीं करना कि दोनों पक्ष बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, जैसे कि दो शक्तिशाली धाराएं एक दूसरे से टकराती हो। एक हावतन चौथे चरण का झांग परिवार का योद्धा आगे बढ़ा, सीधे आयरन बैक सिल्वर एप से उड़ते हुए टकरा गया, नीचे गिरा और मारा गया। ये आयरन बैक सिल्वर एप तेज गति से दौड़े, मास के टैंकों का तूफान प्रतीत हुआ, अलौकिक रूप से बिना किसी प्रतिद्वंद्वी के बहादुर। FCK, यहाँ इतने सारे आयरन बैक सिल्वर एप्स कैसे हैं? झुलसे हुए चेहरे वाले उस अधेड़ उम्र के आदमी ने लोहे की पीठ वाले सिल्वर एप को दो हिस्सों में काटने के लिए एक ब्लेड का इस्तेमाल किया, उदास रूप से कोसते हुए। किंग फैंग पहाड़ों के अंदर आयरन बैक सिल्वर एप्स एक मिलनसार समुदाय नहीं थे। झांग परिवार हालांकि ढीठ, ऐसे समुदाय को लापरवाही से उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। अनुभवी होने पर भी वे केवल एक अकेले राक्षस जानवर का चयन करेंगे और पूरे समुदाय को नहीं छुएंगे। क्या अधिक है, लौह पीठ वाले रजत वानर अपने आप में एक शक्तिशाली समुदाय थे। दोनों शक्तिशाली धाराएं एक दूसरे पर भयंकर रूप से प्रहार करती हैं। तुरंत झांग परिवार के योद्धा समूह के अंदर कई लोगों को आयरन बैक सिल्वर एप्स द्वारा करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि आयरन बैक सिल्वर एप्स ने भी कई योद्धाओं को मार डाला और उनके सिर काट दिए। हो, आयरन बैक सिल्वर एप किंग सुनहरे बालों में ढके हुए आकाश को हिलाते हुए पेड़ों के ऊपर से नीचे कूदते हुए। होंग, प्रत्यक्ष दबाव ने एक झांग परिवार के योद्धा को तोड़ दिया जिससे पृथ्वी हिलने लगी। पेंग, एक योद्धा का ब्लेड नीचे गिर गया। उसके आश्चर्य के लिए आयरन बैक सिल्वर एप ने उसे नंगे हाथों से पकड़ लिया। महीन स्टील के लंबे ब्लेड को सीधे लोहे की चादर में ढाला जाता था। उस योद्धा को भी आयरन बैक सिल्वर एप ने मार डाला था। यह भारी छाया मुक्केबाजी, यह वास्तव में एक छाया मुट्ठी तकनीक लेकर आई। यह जिवेन असाधारण रूप से स्तब्ध थी। यह दानव जानवर वास्तव में मुक्का मारने की तकनीक का उपयोग करने में सक्षम था। यह मंकी फिस्ट होना चाहिए, लेकिन यह भी सामान्य था। मानव जाति की कई मार्शल आर्ट की नकल इन जानवरों और दानव जानवरों द्वारा की गई थी। कुछ टाइगर फिस्ट, मंकी फिस्ट, स्नैक फिस्ट, मेंटिस फिस्ट इत्यादि, बस नाम देखते ही पता चल जाएगा। यह आयरन बैक सिल्वर एप किंग वास्तव में एक भयंकर गड़बड़ी थी। दोनों पक्षों में पहले ही मारपीट हो चुकी थी। इससे पहले वे मार झेलने में असमर्थ थे। आयरन बैक सिल्वर एप का पार्श्विक बल अप्रतिम था। हालांकि झांग परिवार के योद्धाओं ने भी क्रमशः सभी प्रकार की मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था। क्षण भर के लिए वे अलग हो गए। वह झुलसा हुआ अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही आयरन बैक सिल्वर एप किंग का सामना कर रहा था। केवल अभी अभी जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी के राक्षसी हत्या के इरादे ने आयरन बैक सिल्वर एप किंग लेवार्ड को पूरी तरह से दबा दिया। वह केवल हॉटियन सातवें चरण का था, लेकिन यह आयरन बैक सिल्वर एप किंग पहले से ही हॉटियन आठवें चरण का था, लगातार उस पर दबाव बना रहा था। एक शिवेन को पता था कि इन योद्धाओं की हार से पीछे हटना बस कुछ ही समय में था। ये जिवेन चुपचाप युद्ध के मैदान से निकल गया। अतीत का चक्कर लगाते हुए आयरन बैक सिल्वर एप्स की टुकड़ी की मांद की ओर तेजी से बढ़ा। अब आयरन बैक सिल्वर एप्स का पूरा घोंसला निकल आया था, वह समय जब मांद सबसे ज्यादा खाली थी। इतने सालों में आयरन बैक सिल्वर एप की टुकड़ी ने निश्चित रूप से कई अच्छी चीजें जमा की है। इतने सालों में उनके हाथों बहुत से मानव योद्धा मरे थे। साधारण दानव जानवरों को मनुष्यों की गिरी हुई चीजों के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वानर प्रकार के राक्षस जानवर अलग थे। उनकी बुद्धि सामान्य राक्षसी जानवरों से कहीं अधिक उच्च थी, जो इन चीजों को इकट्ठा कर सकते थे। ये सिवेन द्वारा देखे गए कुछ विभिन्न रिकॉर्डों के अंदर थे। जल्द ही ये जिवेन ने पहले ही आयरन बैक सिल्वर एप ट्रूप की मांद को छू लिया था। आयरन बैक सिल्वर एप्स की मांद की टुकड़ी एक चट्टान के बीच में थी, लेकिन समय निकल रहा था। शायद जल्द ही आयरन बैक सिल्वर एप की टुकड़ी वापस आ जाएगी।
एक शिवेन के लिए इसे एक एक करके खोजना असंभव था, वह केवल सबसे बड़ी गुफा को ही चुन सकता था। बेशक आयरन बैक सिल्वर एप किन की गुफा। आयरन बैक सिल्वर एप्स के अंदर रैन का सामान्य रूप से सख्त थे। आयरन बैक सिल्वर एप की गुफा में आगे बढ़ते हुए शराब की खुशबू ने सबसे पहले इंद्रियों पर हमला किया, जिससे इंसान नशे में हो गए। बंदर शराब, ये जिवेन के दिमाग ने ऐसी संज्ञा दी। कुछ यात्रा नोटों में लिखा है, कुछ बंदर सैनिकों ने किण्वन के लिए कुछ फल इकट्ठा किए, फिर धीरे धीरे शराब बनाई। यह तथाकथित मंकी वाइन थी। ये जिवेन की दृष्टि चारों ओर फैल गई, बस एक छेद के अंदर देख रही थी, जिसमें एक विशाल तालाब था। तालाब के अंदर जैस्पर रंग की शराब भरी हुई थी। शराब की सुगंध नथुनों से टकराए। शराब की महक के एक कौर में सांस लेने से ही रोमछिद्रों के खुलने का एहसास हुआ। शराब की सुगंध में केंद्रित आध्यात्मिक क्यूई थी। यह सामान्य मंकी वाइन नहीं थी, यह उसी फल को किण्वित नहीं करती थी। हो सकता है कि इसमें बहुत से आत्मिक फल और साथ ही कुछ स्वर्गीय भौतिक खजाने इत्यादि शामिल हो। ये जिवेन को कोई हिचकिचाहट नहीं थी, यह मंकी वाइन पूरी तरह से स्पेशियल रिंग में फिट की गई थी। इसके तुरंत बाद ये जिवेन ने फिर से पूरी गुफा पर नजर डाली। हालांकि गुफा में बहुत अंधेरा था, ये एक शिवेन की आंखों में युद्ध की शक्ति थी। तथ्य यह था, यह दिन के रूप में उज्जवल था। कोने में निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का एक पूरा ढेर वहां ढेर हो गया था। आध्यात्मिक क्यूई को बाहर निकालना गुफा को स्वर्ग के स्वर्ग में रहने जैसा होना। देखते हुए कम से कम कई हजार निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर थे। ये जिवेन ने इसे पूरी तरह से स्पेशियल रिंग के अंदर इकट्ठा करते हुए इसे बहा दिया। शेष कुछ अस्त्र शस्त्र और कवच आदि थे। कई पहले ही टूट चुके थे, बहुत कुछ पहले ही कई वर्षों से गुजर चुका था, फिर जंग खा गया और सड़ा हुआ था, जिसका कोई मूल्य नहीं था। ये जिवेन इन चीजों को नहीं ले जा सकता था, उसने केवल उसमें एक लंबा ब्लेड चुना। इस लंबे ब्लेड पर मोटी धूल जमी हुई थी, यह ज्ञात नहीं था कि इसने कितने वर्षों का अनुभव किया था। हालांकि यह कभी सड़ता नहीं था। ब्लेड एक लुभावनी ठंडी नोक से भरा हुआ था। पूरा शरीर शुद्ध सोने से बना था, अतुलनीय रूप से तेज। टल शी रेन दहामैंग इस ब्लेड को चुनने का कारण बहुत ही सरल था, क्योंकि कोल्ड मून बीहेड ब्लेड तकनीक पहले प्राप्त की गई थी। अब ऐसा हुआ कि उसके पास लंबा ब्लेड था। एक शिवेन ने लंबे ब्लेड को अपने शरीर से बांध लिया और तुरंत वहां से जाने के लिए मुड़ गया। यहां ज्यादा देर तक रहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वानर राजा की एक पंच में रहने वाली पूरी गुफा को जड़ से उखाड़ने के बाद ये जिवेन अचानक अमीर हो गया। 10 लोग ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स का मूल मामला चिंताजनक था, लेकिन अब उसने कुछ ही समय में कई हजार प्राप्त किए, अचानक एक अमीर व्यक्ति बन गया। ये जिवेन के चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। ये वाकई बहुत अच्छा था। ये जिवेन के स्पेशियल रिंग के अंदर से मंकी वाइन की लौकी लगाई गई थी। मूल रूप से इसका उपयोग पानी रखने के लिए किया जाता था, अब यह पूरी तरह से मंकी वाइन रखने के लिए उपयोग किया जाता था। एक कौर पीते हुए उसने तुरंत पेट के निचले हिस्से से एक गर्म प्रवाह को छलांग लगाते हुए महसूस किया। ये जिवेन यह जानकर हैरान थी कि उसकी ताकत वास्तव में बढ़ गई थी। हालांकि यह 1/4 किलोग्राम से भी कम था, निस्संदेह मंकी वाइन में वास्तव में एक अजीब प्रभावकारिता थी। अंदर अज्ञात मात्रा में स्वर्गीय भौतिक खजाने थे। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि इन आयरन बैक सिल्वर एप्स के पास मजबूत और मजबूत शरीर थे, जो तलवार या भाले के लिए अभेद्य थे। ये जिवेन ने झांग परिवार के योद्धाओं और आयरन बैक सिल्वर एप्स से जुदा होने की तलाश की। लड़ाई का स्थान बहुत दूर नहीं था। दूरी में वह देख सकता था कि दोनों पक्षों की लड़ाई एक सफेद गर्म चरण में प्रवेश कर चुकी थी। जानलेवा आत्मा बढ़ गई, अन्य राक्षस जानवरों ने इस क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं की। ये जिवेन ने एक पेड़ में एक गड्ढा खोदा और एकांत में जाने लगी। इस समय बड़ी मात्रा में आत्मा के पत्थर प्रज्वलित होने लगे। ये जिवेन के शरीर में बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई उमड़ पड़ी। ये जिवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, उस रहस्यमय स्थान में प्रवेश किया, साथ ही साथ लगातार मंकी वाइन भी पी रहा था। ताकत लगातार अचानक और तेजी से बढ़ी। बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई ने एक आध्यात्मिक क्यूई नदी का निर्माण किया, जो ये जिवेन के शरीर के अंदर उमड़ रही थी। हालांकि एक झटके में यह एक शिवेन द्वारा जल्दी से अवशोषित कर लिया गया था। टीएल पवित्र गाय लेखक ने तुलना के लिए यांगेजी और पीली नदियों का उपयोग नहीं किया।
उस विशेष स्थान के अंदर ये जीवन की साधना गति अधिक से अधिक तेजी से बढ़ी। खेती ने भी उत्तराधिकार में सफलता हासिल की। हाउटियन प्रारंभिक पांचवा चरण, हाउटन मिड फिफ्थ स्टेज, हाउटियन देर से पांचवा चरण, हाउटन पीक पांचवा चरण। डोमेन स्तर के लगातार प्रचार के बाद ये जीवन की ताकत को भी लगातार बढ़ावा मिला। 6 बाघों की शक्ति, 7 बाघों की शक्ति, 8 बाघों की शक्ति, 9 बाघों की शक्ति, 10 बाघों की शक्ति। ये जीवन की शक्ति को बढ़ावा देने की दर ने एक घूरने वाली जुबान बना दी। ये जीवन द्वारा मन की वाइन अल्कोहल को पूरी तरह से परिष्कृत किया गया था। कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला। होंग, ये जीवन ने हाउटियन के शुरुआती 6 चरण में प्रवेश किया। ये जीवन की ताकत 15 बाघों की शक्ति से कम नहीं थी। ये जीवन का अशिंक थंडर हैंड आखिरकार 9वीं प्रतिध्वनि के रूप में समझा गया था। इसे 9वीं प्रतिध्वनि में लाने के बाद अशिंक थंडर हैंड्स एक स्तर फिर से बढ़ सकता है। इसकी ताकत पूरी हो सकती है। कोल्ड मून बीहेडर का पहला रूप न्यू मून बीहेडर का भी थोड़ा अभ्यास किया गया था। ये जीवन ने एक ब्लेड काटा जो 6 चाकुओं को काटने में सक्षम थी। यदि कोई 9 चाकुओं को काट सकता है तो पहले रूप न्यू मून बीहेडर को परिणति तक अभ्यास किया गया था। ये जीवन द्वारा 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को अच्छी तरह से जला दिया गया था जो महीन सफेद पाउडर की गांठ में बदल गया था। वह मन की वाइन की लौकी भी पूरी तरह से साफ पी गई थी। ये जीवन ने अपनी आंखें खोली, उसका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक मैला था, लेकिन पिछली कई बार की तुलना में यह बेशक काफी कम रही। इससे पता चलता है कि उसके शरीर के आंतरिक भाग में कम और कम अशुद्धियां थी। ये जीवन ने अशुद्धियों को पूरी तरह से झाड़ने के लिए जेन क्यूई का इस्तेमाल किया। ये जीवन ने लंबा ब्लेड निकाला, ब्लेड क्यूई विकृत और बाने विपरीत बड़ा पेड़ धराशायी हो गया। ये जीवन ने सांस छोड़ी, यहाँ तक कि पहले झांग परिवार के युवा मास्टर ने भी इसे अपने अत्याचार से कहीं कमतर तरीके से इस्तेमाल किया। अब भले ही उसे हाउटियन 7वें चरण के विशेषज्ञों से हाथ मिलाने के लिए बनाया गया हो, वह निडर था। इस बार दूर की लड़ाई की जीत और हार पहले से ही तय हो चुकी थी। झांग परिवार के योद्धा जंगल के भीतर केवल 5 लोग थे, जीवन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और पागलों की तरह भाग रहे थे। ये जीवन सिल्हूट चमकता हुआ पीछा किया। लानत है, ऐसा कैसे हो सकता है। इन कमीनों बड़ी कठिनाई के साथ झांग परिवार के प्रतिभागियों के कुछ लोग आयरन बैक सिल्वर एप्स सेना की मौत का पीछा करने से भाग गए। जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शरीर खून के धब्बों से भरा था। आयरन बैक सिल्वर एप किन के साथ लड़ाई में इसे पीछे छोड़ दिया गया था। यदि निर्णायक वापसी नहीं होती तो शायद उनका पूरी तरह से सफाया हो गया होता। वापस जाओ फिर परिवार के मालिक को इन जानवरों को एक झटके में खत्म करने के लिए विशेषज्ञों को संगठित करने दो, अन्यथा मेरे हृदय की घृणा का मिटना कठिन है, झांग परिवार के एक योद्धा ने दांत पीसते हुए कहा। साथ ही वह कातिल हमारे 2 युवा आकाओं की हत्या, यह एक आक्रोश है। इस बार का मामला भी अजीब था, हमारे रास्ते में बाधा डालने के लिए वे लौहपीठ वाले रजत वानर कैसे मार सकते हैं, दूसरे योद्धा ने कहा। मेल नहीं हुआ, आते समय उनके पास 1 दर्जन से अधिक लोग थे, लेकिन भागते समय केवल 5 या 6 लोग ही जीवित रह गए। मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अत्यधिक गुस्से का प्रदर्शन किया। मुझे डर है कि आपके पास कोई मौका नहीं है, केवल एक स्पष्ट और सुरीली आवाज पारित की गई थी। पूरे झांग परिवार ने देखा, 17 या 18 साल के एक लड़के को ठंडी आंखों से देखकर हैरान रह गया। यह जीवन था, यह तुम ही हो जिसने हमारे युवा आकाओं की हत्या की। लोगों के उस पिछले समूह में बचे हुए 5 लोगों ने एक शिवेन को पहचान लिया। हमारा झांग परिवार आपको दूर नहीं जाने देगा, आपके पास बाद में लौटने का मौका नहीं होगा, ये जीवन ने उपहास किया। बबुआ, तुम मौत का फैसला करते हो, वह जख्मी चेहरे वाला अधेड़ उम्र का आदमी चिल्लाया, एक लंबा ब्लेड निकालकर एक शिवेन की ओर बढ़ा। ब्लेड की रोशनी झिलमिला रही थी, ब्लेड क्यूई धमकी दे रही थी। हालांकि गंभीर रूप से घायल हाउटियन 7वें चरण के योद्धा अंत में हाउटियन 7वें चरण के योद्धा थे। यहां तक कि अगर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं तो हाउटियन 6ठे चरण के सामान्य योद्धाओं को इस ब्लेड से बचना बिल्कुल मुश्किल होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये जीवन कोई सामान्य हाउटियन 6ठे चरण के विशेषज्ञ नहीं थे।
आप भले ही वह जख्मी चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति चरम स्थिति में था, वह लड़ाई लड़ सकता था, अब गंभीर रूप से घायल स्थिति की तो बात ही छोड़ दे। कियान, ये ज़िवेन ने एक झटके में लंबा ब्लेड निकाल लिया, ठंडी नोक को दबाते हुए इसे लोगों की आंखों से ढंक दिया। ये ज़िवेन का ब्लेड हैक हो गया, न्यू मून बिहेडर। तीव्र ब्लेड की हुई फटाफट नीचे काट, हवा खुला विभाजित। होंग, उस जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी की ब्लेड क्यूई को ये ज़िवेन के क्रिसेंट मून ब्लेड क्यूई ने हरा दिया, वह सीधे नीचे गिर गया, बिजली की तरह बिजली। द शिंग थंडर हैंड का सार वास्तव में मिला हुआ था। उस जख्मी चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पास बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उस जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी के पास इतना समय था कि वह ये ज़िवेन को बुरी तरह से देख सके। चिल्लाया, यह कैसे संभव है नया? ब्लेड की रोशनी चमकी, उस जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के आदमी को सीधे बीच से दो हिस्सों में काट दिया गया। चमकीला लहू छिटक गया। जाहिर है, इस जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पहले ही इस कदम को पहचान लिया था, लेकिन बोलने में बहुत देर हो चुकी थी। क्या वास्तव में बधिर को कैसे मारा जा सकता है? क्या डीकन के पास हाउटियन सातवें चरण की ताकत नहीं थी? कुछ मुख्य शिष्यों की तुलना में शायद ही कोई अंतर हो, उनका सिर ब्लेड से कैसे काटा जा सकता है? एक बहुत ही भयानक ब्लेड तकनीक, उस जख्मी चेहरे वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति का सिर ब्लेड से काट दिया गया था। तुरंत झांग परिवार का बमुश्किल शेष मनोबल टूट गया। मूल रूप से वे अभी हाल ही में पूरी तरह से हार गए थे, अब उनके लिए सबसे मुश्किल चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का भी ये ज़िवेन के ब्लेड से सिर काट दिया गया था। वे चौथी से पांचवीं अवस्था के हाउटियन थे, उनके पास विरोध करने के लिए मन का ढांचा नहीं था। शेष चार चिल्लाए, भागने के लिए सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए, लेकिन ये ज़िवेन उन्हें भागने नहीं देगी। झांग परिवार किंग फैंग पर्वत की दो महान शक्तियों में से एक था। इन लोगों ने उसे देखा है, अगर उन्हें भागने दिया गया तो शायद उन्हें वास्तव में लगातार असुविधाएं होंगी, यहाँ तक कि उसे झांग परिवार के प्रचंड प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। कियांग, ये ज़िवेन ने वर्टिकल बॉडी स्किल बढ़ाई, एक ब्लेड हैकिंग की। ब्लेड क्यूई विकृत और बाने बिजली की तरह तेज। सेकंड के एक अंश में इसने छह ब्लेड काट दिए। झांग परिवार के एक योद्धा का सिर और शरीर पहले ही अलग हो चुका था। ये ज़िवेन के पास व्यवहारिक रूप से कोई ठहराव नहीं था, हाथ में लंबा ब्लेड, झाड़ू लगाना। गति अभी भी अजीब तरह से बहुत तेज थी। एक झंझावात ध्वनि के निशान के साथ एक और योद्धा के शरीर में हैकिंग। ये ज़िवेन द्वारा दो योद्धाओं के सिर काटे जाने के साथ शेष दो योद्धा भी भागने में असमर्थ थे, अंततः ये ज़िवेन द्वारा सिर कलम कर दिए गए। एक मध्य स्तर की मार्शल आर्ट की शक्ति असीमित थी। हालांकि अशिंग थंडर हैंड के पूरा होने के बाद यह पूरी तरह से कुछ मध्य स्तरीय मार्शल आर्ट से कम नहीं था, लेकिन हत्या दक्षता के लिए ये ज़िवेन के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि न्यू मून बिहेडर थोड़ा बेहतर था। झांग परिवार के अंतिम अवशेषों को काटने के बाद ये ज़िवेन को आखिरकार राहत मिली। झांग परिवार की एक और मौत का पीछा करने की जरूरत नहीं है। बाद में भले ही झांग परिवार जांच जारी रखना चाहता हो, उन्हें प्रतिभाशाली लोगों को खोजने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें यह जानना होगा कि नौकरी के लिए कौन है। झांग परिवार का उलझाव अस्थायी रूप से टूट गया था। ये ज़िवेन के पास भी लौटने का विचार नहीं था। उन्हें अब भी यहाँ आधे महीने तक खुद को तरोताजा रखना होगा, क्योंकि आधे महीने बाद साल के एक स्कूल इन अ वेटिंग का समय था। स्कूल इन अ वेटिंग स्कूल इन अ ट्रायनियल ग्रैंड इवेंट था। दोनों केवल बाहरी संप्रदाय में दोनों शिष्य और आंतरिक संप्रदाय में शिष्य भाग लेते हैं। इसे भी दो भागों में बांटा गया, बाहरी संप्रदाय के शिष्य और भीतरी संप्रदाय के शिष्य। शीर्ष 10 स्थानों में बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में पदोन्नत किया जा सकता है, लेकिन वेटिंग के शीर्ष 5 स्थानों में आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को मुख्य शिष्यों में पदोन्नत किया जा सकता है। ये युवान स्कूल के भीतर बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या सिर्फ कई हजार थी। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने केवल 1000 से थोड़ा अधिक पास किया था और मुख्य शिष्यों की संख्या केवल 100 से अधिक थी। यदि आंतरिक शिष्यों को ये युवान स्कूल के कुलीन कहा जाता था, तो उस स्थिति में मूल शिष्य बीज थे। ये युवान स्कूल ने बीजों को विकसित और मजबूत किया। ये युवान स्कूल के अंदर अधिकांश वरिष्ठ शिष्य मुख्य शिष्यों से आए थे।
एक अतिशयोक्तिपूर्ण बिंदु तक, भले ही बाहरी संप्रदाय के शिष्य और आंतरिक संप्रदाय के सभी शिष्य मर गए हों, जब तक कि मुख्य शिष्य थे तब तक यह महत्वपूर्ण नहीं था। यह अभी भी तेजी से विकसित हो सकता है, लेकिन अगर मुख्य शिष्यों ने आधे लोगों को अंदर ही खो दिया तो उस तरह से ये युवान स्कूल की शक्ति को बहुत नुकसान होगा। ये युवान स्कूल में मुख्य शिष्यों की स्थिति स्पष्ट थी। ये परिवार के तीन भाई बहनों में ये फेंग और ये रिक्सू दोनों पहले से ही मुख्य शिष्य थे। केवल ये जिवेन अभी भी आंतरिक शिष्यों के भीतर संघर्ष कर रही थी। हर कोई मुख्य शिष्यों को बढ़ावा देने में सक्षम नहीं था। हालांकि विशेषज्ञों ने लगातार मुख्य शिष्यों को पदोन्नत किया, फिर भी अधिकांश लोगों को मौका नहीं मिला। क्योंकि प्रतिभाएं लगातार उभरती हैं, उस पर कब्जा करने के लिए अक्सर मुख्य शिष्य की स्थिति में पदोन्नति नहीं होती है। कभी कभी न केवल ताकत पर ध्यान देना बल्कि भाग्य पर ध्यान देना चाहिए। 25 वर्ष की आयु तक यदि अभी भी मुख्य शिष्यों को बढ़ावा देने में असमर्थ है तो उस स्थिति में कोई या तो ये युवान स्कूल का भंडारी बन जाएगा या तो पहाड़ के नीचे खुद के लिए खड़ा हो जाएगा। एक बार मुख्य शिष्य बनने के लिए पदोन्नत होने के बाद पहले के उपचार की तुलना में यह केवल एक स्वर्ग और पृथ्वी उल्टा परिवर्तन था। केवल 100 से अधिक प्रमुख शिष्य थे, बस उनके पास ही युवान स्कूल के संसाधनों का कम से कम आधा हिस्सा था। यदि उसके पास मुख्य शिष्यों के संसाधन होते तो ये जीवन की साधना दर और भी तेज होती। हालांकि अब के लिए एक बड़ा भाग्य बनाना असंभव था, यह स्वाभाविक रूप से आय का एक स्थिर स्रोत था। समय के दौरान यह एक गरीब आय नहीं थी। मुख्य शिष्यों में अलग दिखना तो दूर, ये जीवन को सभी प्रकार के संसाधनों की तत्काल आवश्यकता थी। उसे इसे थोड़ा थोड़ा करके फिसलने नहीं देना चाहिए। वे मुख्य शिष्य प्रत्येक असाधारण जनजात प्रतिभा थे, प्रत्येक के पास सौभाग्यशाली मुठभेड़े थी। यदि उसने इसे आगे नहीं बढ़ाया तो उन्हें ओवरटेक करने में काफी समय लगेगा। ये जीवन तब तक जाने के लिए तैयार नहीं होगी जब तक कि वे सभी एक एक करके हावी ना हो जाएं। संक्षेप में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बार का स्कूल इनोवेटिंग उसके लिए असामान्य रूप से महत्वपूर्ण था। उसे सब बाहर जाना चाहिए। इष्टतम स्थिति में समायोजित करने के लिए उसे एक ही बार में मुख्य शिष्य रैंक में प्रवेश करना चाहिए। जहां तक मुख्य शिष्यों का स्कूल इनोवेटिंग में भाग नहीं लेने का प्रश्न है, 3 महीने के बाद एक अतिरिक्त कोर वेटिंग होगी। शीर्ष 20 स्थान ये युवान स्कूल हेड स्कूल की ओर बढ़ सकते हैं। अधिकतम खेती प्राप्त करने के लिए प्रधान विद्यालय में प्रवेश। इस बार के स्कूल इनोवेटिंग के बारे में ये जीवन जीतने के लिए दृढ़ थी। दिन ब दिन समय बीतता गया, धीरे धीरे स्कूल इनोवेटिंग का समय आ गया। छोटे से जंगल के अंदर एक साथ एक आदमी की छाया और एक उग्र लौ लोमड़ी के बीच दूर का टकराव था। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रेजिंग फ्लेम फॉक्स के पूरे उग्र रंग के फर में इस बार शरीर के ऊपर और नीचे ब्लेड के निशान थे। तेज रक्त बह निकला। मूल रूप से सुंदर फर में सब कुछ टूटा हुआ था और अव्यवस्था में था। सूरत कुछ हद तक मायूस, एक किंग फैंग पर्वत के हाउटिन शिखर 7वें चरण की अत्याचारी ताकत कुछ भी नहीं। न्यू मून बीहेडर, उस व्यक्ति की परछाई ने जोर से आवाज दी, हाथ में चमक रहा लंबा ब्लेड। ब्लेड क्यूई ऊपर उठी, 9 ब्लेड वाली छायाओं ने इस प्रकार युद्धाभ्यास के लिए रेजिंग फ्लेम फॉक्स के कमरे के पूरे शरीर को पूरी तरह से सील कर दिया। द रेजिंग फ्लेम फॉक्स के पास बस पैंतरेबाजी करने के लिए कोई जगह नहीं थी, केवल असहाय रूप से घूरने में सक्षम था, क्योंकि एक लंबा चाकू उसके शरीर पर गिरता है, एक पल में सिर काट दिया जाता है। ये जीवेन ने रेजिंग फ्लेम फॉक्स के क्रिस्टल कोर को खोदकर लंबा ब्लेड प्राप्त किया। एक हाउटियन शिखर 7वें चरण का क्रिस्टल कोर बिल्कुल 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या उच्चतर तक पहुंच सकता है। मैंने आखिरी पल में इसे छोड़कर नहीं किया, मैं वास्तव में 9 ब्लेड के डोमेन स्तर तक पहुंच गया। ये जीवेन को उम्मीद नहीं थी कि अब वह वास्तव में अंतिम क्षण में समझ गया है, 9 ब्लेड के डोमेन स्तर को पार करते हुए। न्यू मून बीहेडर का अभ्यास परिणति के लिए तेजी से बढ़ सकता है। एक ब्लेड ने नृत्य किया, 9 ब्लेड ब्लेड छायाएं शरीर के पीछे एक छाया की तरह थी जो पूरे शरीर के स्थान को पूरी तरह से सील कर रही थी। एक ब्लेड के करीब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कहां भाग गया। यही कारण था कि रेजिंग फ्लेम फॉक्स, जिसे व्यापक रूप से चतुर के रूप में जाना जाता था, को अंततः केवल दबाया जा सकता था। यही कारण था कि इसका सिर ये जीवेन द्वारा काटा गया था। द रेजिंग फ्लेम फॉक्स, हालांकि हॉटियन पीक 7वें चरण में ही ताकत थी, इसे किंग फैंग पर्वत के आधिपत्य के रूप में जाना जाता था।
स्वाभाविक रूप से एक कारण था कि रेजिंग फ्लेम फॉक्स की गति बहुत तेज थी। साधारण हाउटियन शिखर आठवें चरण के योद्धा रेजिंग फ्लेम फॉक्स की गति के साथ नहीं रह सकते। केवल हाउटियन नौवें चरण के पूर्ण विशेषज्ञों में रेजिंग फ्लेम फॉक्स से लगातार आगे निकलने की क्षमता थी। साधारण हाउटियन सातवें चरण के दानव कोर लगभग 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गए, लेकिन रेजिंग फ्लेम फॉक्स का दानव कोर 200 तक पहुंच सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे पकड़ना बहुत मुश्किल था, बहुत दुर्लभ। हाउटन आठवें चरण के दानव कोर की कीमत के लगभग तुलनीय। अगर रेजिंग फ्लेम फॉक्स भाग निकला तो ये क्षिविन उसे बिल्कुल नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन एक आमने सामने के प्रयास में ये जिविन ने न्यू मून बिहेडर को शुरू से अंत तक प्रदर्शित किया। व्यापक रूप से ज्ञात डीप ट्रेजिंग फ्लेम फॉक्स राक्षस जानवर एक भी कदम आगे बढ़ने में असमर्थ था। ईमानदारी से ब्लेड पीड़ित समापन न्यू मून बिहेडर बिल्कुल भयानक था। एक ब्लेड बाहर ऊपर और नीचे और बाएं और दाएं नाचता है, पूरी तरह से उसमें ब्लेड की छाया से घिरा हुआ है, पूरी तरह से बचने में असमर्थ है। न्यू मून बिहेडर के चरमोत्कर्ष पर भरोसा करते हुए ये जिवेन के पास इतना आत्मविश्वास था कि वह किसी भी हाउटन सातवें चरण के विशेषज्ञों को हरा सके। आधे महीने से भी कम समय में ये जिवेन ने मुख्य रूप से न्यू मून बिहेडर की खेती की, लेकिन विशेष सहायता होने के कारण उन्होंने अभी भी हॉटियन शिखर छठे चरण को आसानी से धकेल दिया। हॉटियन तक पहुँचने के लिए केवल एक कदम का अंतर सातवां चरण। ये जिवेन एक बिंदु पर बहुत स्पष्ट थी जो एक से अधिक चबा सकता था। नतीजतन चाहे वह अशिंग थंडर हैंड हो या न्यू मून बिहेडर, परिणति तक अभ्यास करने के बाद कोई दूसरों की साधना शुरू कर सकता है। केवल न्यू मून बिहेडर की परिणति पहले से ही इतनी दुर्जय थी। ये जिवेन निम्नलिखित मिसिंग मून बिहेडर की ताकत का बहुत इंतजार कर रही थी। यह कहे बिना चला गया कि मिसिंग मून बिहेडर एक उच्च स्तरीय शक्ति तकनीक न्यू मून बिहेडर से एक स्तर अधिक था। यदि परिणति तक अभ्यास किया जाता है तो पराक्रम की कल्पना करना कठिन होगा। हालांकि आधे महीने से भी कम समय में ये जिवेन ने राक्षसों के कोर को लूटते हुए लगातार राक्षसों को मारा, लेकिन उनकी खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी खपत भी बढ़ती गई। निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का गठन करते हुए केवल लगभग 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन रह गए। ये जिवेन ने सोचा मिसिंग मून बिहेडर का अभ्यास करने के लिए इन स्पिरिट स्टोन्स की संख्या कुछ हद तक पतली प्रतीत होगी। यद्यपि 2000 निम्न श्रेणी के रत्न एक साधारण आंतरिक शिष्य के संबंध में संभवतः जीवन भर में प्राप्त नहीं किए जा सकते थे, लेकिन उनके दिमाग के अंदर वह विशेष जगह एक सुपर मशीन थी जो व्यवहारिक रूप से स्पिरिट स्टोन्स को निगल रही थी। ये शिवेन को अचानक एक तरह का एहसास हुआ, चाहे उसके पास जितने भी आत्मा के पत्थर हो वह निगलने के लिए पर्याप्त नहीं था। केवल लाभ स्पष्ट और देखने में आसान था। यदि वह अशिंग थंडर नाइनिकोस को छूना शुरू करने से बदल सकता है, लगभग एक महीने में अशिंग थंडर हैंड्स की पहली प्रतिध्वनि जारी करने में सक्षम हो सकता है, तो इसे बहुत अच्छा माना जाता था। डोमेन स्तरों को स्विच करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स का उपयोग करना चाहिए। यदि उसके पास झांक परिवार के युवा गुरु और आयरन बैक सिल्वर एपकिन की गुफा के अंदर का सौभाग्य नहीं होता तो ये जिवेन पहले से ही इसका समर्थन जारी रखने में असमर्थ होती। यह केवल आत्मा के पत्थरों को जलाना था, लेकिन अब लगभग समय था। 2 दिनों में त्रिवार्षिक स्कूल इनोवेटिंग शुरू हो जाएगा। इस बार उसे उचित रूप से लौटने के लिए जल्दी करनी चाहिए। ये शिवेन के पहले से ही किंग फैंग पहाड़ों में काफी गहरी जगह आने के कारण जब सुबह सुबह उतरते हैं तो ये जिवेन ये युवान स्कूल में वापस आ जाएगी, तब दोपहर हो चुकी होगी। दूर दूर तक अव्यवस्थित इमारतों को देख कर ये जिवेन भावनाओं से भर गई। वो एक महीने के लिए बाहर गया। उस समय हाउटन चौथे चरण से अब के हॉटियन शिखर छठे चरण तक साधना कर रहा था। यदि वह यह समाचार अपने पिता और माता को बताता तो वे डर जाते, लेकिन इस समय ये जिवेन को तत्काल लौटने की आवश्यकता नहीं थी। पहले उसे स्पेशियल रिंग के कुछ दानव जानवर सामग्री के लिए जगह ढूंढनी होगी या दानव जानवर कोर से निपटना होगा और इसी तरह। हालांकि ये युवान स्कूल के अंदर विशेष रूप से इसे खरीदने के लिए एक जगह थी, यह गोंडे पैलेस था। गोंडे पैलेस के भीतर बहुत सी चीजें विनिमय करने लायक नहीं थी। गोंडे पैलेस में एक प्रारंभिक दानव कोर और शिखर दानव कोर बदले में समान थे, लेकिन अगर निजी तौर पर अन्य शिष्यों को बेचा जाता था तो कीमत पूरी तरह से अलग थी।
ये युआन स्कूल में ऐसी जगहों की कोई कमी नहीं थी। ये युआन स्कूल के भीतर एक प्रकार का विशाल प्लाजा था जो उन शिष्यों के साथ निजी लेन देन करने के लिए विशेषीकृत था। स्कूल संप्रदाय ने इसे प्रतिबंधित नहीं किया। वास्तव में पूरे स्कूल में ये युआन स्कूल के 6,000 से कम लोग नहीं थे। यह एक छोटे शहर की तरह लग रहा था जो असामान्य शोर और उत्साह से भरा हुआ था। इस तरह का व्यावसायिक जमावड़ा देर सवेर बनेगा, यह एक बिंदु पर केंद्रीकृत भी हो सकता है। सबसे पहले यह शिष्यों के लेन देन के लिए सुविधाजनक था। दूसरे, स्कूल संप्रदायों के पर्यवेक्षण के लिए यह सुविधाजनक था। तीसरा, सुरक्षा कारक भी बहुत अधिक होगा। ये ज़िवेन सबसे पहले लेन देन प्लाजा में पहुंचे। दोपहर का यह समय था जब लोग अपने सबसे अधिक थे। मानव ज्वार बढ़ गया था। ये सामग्री जिसमें ब्लास्टिंग बीए पंजा, रेजिंग फ्लेम फॉक्स की मात्रा कुल 200 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन शामिल है, एक छोटे से स्टोके मालिक ने कहा जो एक दुबले पतले बूढ़े आदमी की तरह दिखता था। बूढ़ा व्यक्ति यहाँ 50 से अधिक वर्षों से अपनी दुकान खोल रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसने वास्तव में कब इन दानव पशु सामग्रियों को खरीदना शुरू किया। ये ज़िवेन ने ये कोंगमिंग से पूछा, लेकिन वह भी नहीं जानता था। उसने कहा कि यह बूढ़ा व्यक्ति प्राचीन काल से मौजूद था और किसी भी शिष्य ने उसके आसपास परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की, और वह हमेशा बिना किसी छल के उचित मूल्य देगा। क्या आपको कीमत पर कोई आपत्ति है? नहीं, ये ज़िवेन ने यह कहते हुए अपना सिर हिलाया कि कीमत वाजिब थी। भले ही अन्य जगहों पर बेची गई हो, कीमत जरूरी नहीं कि इतनी अधिक हो। बेशक असली थोक पैसा यहाँ नहीं था, लेकिन उन राक्षसों में था। इन दानव कोर में एक राक्षस जानवर के शरीर का पूरा सार समाहित था। सच्चे राक्षस जानवर का सार उन दानव कोर में केंद्रित था। उसके कब्जे में दानव कोर की संख्या कुल मिलाकर कम से कम 800 स्पिरिट स्टोन्स के लिए बेच सकती है, और चून की उसके पास पहले से ही 1000 लू ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। कुल मिलाकर लगभग 2000 लू ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। ये दानव जानवर के शरीर के अंग हैं। आपके पास बहुत सारे दानव कोर होने चाहिए। उस दुबले पतले बूढ़े ने ये ज़िवेन को देखा और कहा, यदि कोई है तो आप उन्हें मुझे भी बेच सकते हैं। कीमत आपको नुकसान नहीं होने देगी। ये ज़िवेन ने भी सोचा था कि यह उसे बहुत परेशानी से बचाएगा, इसलिए उसने स्पेशियल रिंग से सभी दानव कोर निकाल लिए और उन्हें टेबल पर रख दिया। वह दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने ये ज़िवेन को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित देखा, क्योंकि वह इतने सारे दानव कोर को बाहर निकालने में सक्षम था। भले ही वह एक मुख्य शिष्य था, एक बार में इतने सारे राक्षस कोर को बाहर निकालना असंभव होगा। इन दानव कोर के लिए मैं 850 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की कीमत तय करता हूँ, क्या यह ठीक है? बूढ़े आदमी ने एक शिवेन को देखा फिर पूछा। बहुत अच्छा, धन्यवाद, एक शिवेन ने संतुष्टि में सिर हिलाया, क्योंकि यह उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक था। स्पिरिट स्टोन प्राप्त करने के बाद ये ज़िवेन दुकान से बाहर चला गया, और जब वह दुकान से कुछ दूर था तो अचानक उसे लोगों के झगड़ने की आवाजें सुनाई दी। बकवास, मैंने आपके आकाशीय कदम नहीं देखे, आवाज ने थोड़ा उत्सुकता से कहा। अहम, अगर तुमने नहीं देखा तो तुम कैसे जानते हो कि इस गुप्त पुस्तक को आकाशीय चरण कहा जाता है? अगर हर कोई तुम्हारे जैसा है जो देखता है और खरीदता नहीं है, तो मैं इस तरह अपना व्यवसाय कैसे करूंगा? भीड़ से एक कर्कश आवाज आई, आज आपको यह आकाशीय कदम गुप्त पुस्तक खरीदनी होगी। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, और यदि आप नहीं खरीदते हैं और चूंकि आपने पुस्तक पहले ही देख ली है, तो आपको पैसे का भुगतान करना होगा, जो 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होंगे। भीड़ में हड़कंप मच गया था। 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एक बहुत बड़ी राशि थी, जिसे कई शिष्यों के लिए अपने पूरे जीवन में प्राप्त करना असंभव था। ये ज़िवेन ने भीड़ में प्रवेश किया और दो युवकों के बीच झगड़ा देखा। एक मोटा था और दूसरा मजबूत लग रहा था, और मोटा युवक आश्चर्यजनक रूप से उसका बचपन का दोस्त वांगली था, और दूसरा हट्टा कट्टा नौजवान एक लंबा लड़का था, लगभग 20 साल का, खुरदरा और भद्दा दिखता था। वह वांगली को एक गर्व भरे चेहरे के साथ देख रहा था, संतोष से भरा हुआ, जैसे कि यह विजय प्राप्त करने के बाद का चेहरा हो। अप्रत्याशित रूप से यह मायान है, इस शिष्य का वास्तव में दुर्भाग्य है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि धोखाधड़ी वास्तव में मायान थी। मुझे नहीं पता कि उन्हें इतनी दुर्लभ गुप्त पुस्तक कहां से मिली, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने एक बुजुर्ग से मूल्यांकन पहचान करने के लिए कहा, और कहा जाता है कि यह वास्तव में एक ज्यानेटियन स्तर की शक्ति तकनीक है। हालांकि यह एक अधूरी तकनीक है, फिर भी वह किताब बेचने का नाटक करता है और इंतजार करता है कि कोई इसमें दिलचस्पी ले।
एक बार जब कोई दिलचस्पी लेता है और इसे देखता है तो वह उन्हें केवल देखने के लिए भुगतान करने के लिए मजबूर करता है। कई ऐसे हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी में सब कुछ खो दिया है और दिवालिया हो गए हैं। हाँ, वो बहुत बेशर्म है, लेकिन इसकी मदद नहीं की जा सकती क्योंकि उसके बड़े भाई मा यंग को सबसे होनहार उम्मीदवार कहा जाता है, जो एक दिन अपने कबीले का मुखिया बनेगा और एक प्रमुख शिष्य के रूप में भी उभरेगा। केवल एक प्रहार से वह उन अन्य शिष्यों को हरा सकता है जो उसके धोखेबाज भाई के खिलाफ जाना चाहते हैं, इसलिए उनके पास सहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि मा यान पहले ही पांचवें चरण के शिखर तक साधना कर चुका है और कहा जाता है कि उसे एक के रूप में गिना जाता है। शीर्ष 20 आंतरिक संप्रदाय के शिष्य, आपकी गुप्त पुस्तक की सतह पर यह सेलेस्टियल सटेप लिखा है, मैं एक अंधा व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैंने देखा कि हालांकि मैंने सामग्री नहीं पढ़ी, वांगली ने उत्सुकता से कहा। उसका परिवार किंग फैंग पर्वत के नीचे एक समृद्ध परिवार था और उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी, इसलिए उसके हाथों में हमेशा ये जिवेन की तुलना में अधिक पैसा था, इसलिए चौथे चरण में पहुंचने के बाद वह एक तकनीक खरीदने आया था। एक योद्धा के लिए एक तकनीक का महत्व समझ में आता था, लेकिन 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एक जबरदस्त राशि थी जिसे वह दिवालिया हुए बिना वहन नहीं कर सकता था, इसलिए वह छोड़ना चाहता था और परिणाम यह था कि मायान उस पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहा था। डॉट, अगर मैं कहूं कि आपने इसे देखा तो आपने इसे देखा, मायान ने उपहास किया। वास्तव में वह कैसे नहीं जान सकता था, वह सिर्फ यह देखकर जानता था कि वांगली एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए यह वास्तव में जबरन वसूली का कार्य था। बस बात करो, मुझे पैसे दो या मैं तुम्हारी खेती बर्बाद कर दूंगा, मा यान ने ठंडेपन से कहा। आसपास खड़े लोग कांपने लगे क्योंकि पिछले दिनों उसने एक शिष्य की साधना नष्ट कर दी थी। यह जंगल का कानून है, मा यान के बड़े भाई के भीतर के संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्य के साथ संबंध है, भले ही उस शिष्य ने अपनी साधना को नष्ट कर दिया हो, उसके जीवन से सभी प्रकाश और आशा चली गई, उच्च पद अभी भी मा यान के साथ सख्त नहीं थे। मेरे पास पैसा नहीं है, वांग ली चिल्लाया, मूर्ख आप बहस में अच्छे हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा कठिन है, आपका मूर्ख मुंह या मेरी मुट्ठी। मा यान मुस्कुराया, उसकी मुट्ठी फटी और हवा में एक कर्कश ध्वनि पैदा हुई। हालांकि मां यान दबंग और अत्याचारी था, लेकिन उसकी मार्शल आर्ट भी कमजोर नहीं थी। शीर्ष 20 आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों में से एक होना कोई मजाक नहीं था। वांग ली ने अपने दांत भींचे, अपनी शक्ति को सीमा तक जारी करते हुए सब कुछ करने का रुख अपनाते हुए टीएल थगायोस्थिर द्वारा सुझाया गया ओफ टकराना। अचानक भीड़ से एक तीखी भेदी आवाज आई, बिजली की चमक जैसा एक छोटा सा पत्थर तुरंत हवा में उड़ गया और यह सीधे और भयंकर रूप से मायान की मुट्ठी से टकराया। आह, मायान, अचानक मरते हुए सुअर की तरह चिल्लाया, मुझ पर हमला करने की हिम्मत कौन करता है, मायान ने चिल्लाते हुए कहा। ये जिवेन की आकृति भीड़ में छिपी नहीं थी। वांग ली ने जल्दी से उसे देखा और खुशी से उसके पास दौड़ा और कहा, भाई तुम आखिरकार वापस आ गए, तुम एक महीने के लिए कहाँ गए थे। मैं मार्शल आर्ट की खेती और अभ्यास करने के लिए पहाड़ के पिछले हिस्से में गया था, ये जिवेन ने कहा। अरे, मैं तुम्हारी खेती क्यों नहीं देख सकता, वांगली ने कहा और उत्सुकता से देखा क्योंकि वह और ये जिवेन दोनों अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को देखते हुए समान थे। वास्तव में वह बचपन से ही ये जिवेन से हमेशा मजबूत रहा था, लेकिन इस बार जब उसने अपने अच्छे दोस्त को देखा तो वह अपनी साधना को नहीं देख सका। वह ये जिवेन की साधना को नहीं देख सकता था, लेकिन ये जिवेन आसानी से अपनी साधना को देख सकता था। शुक्र है कि वांगली का पीछे हटना एक सफलता थी क्योंकि वह चौथे चरण में पहुंच गया था और केवल एक झपट्टा मारकर वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के बीच में कूद गया। रुको, क्या चल रहा है, वह अभी अभी तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, ये जिवेन ने मायान की ओर रूखी नजरों से देखा और कहा। मैं चौथे चरण में पहुंच गया और यहाँ एक गुप्त किताब खरीदना चाहता था, लेकिन कौन जानता था कि वह मुझे इस क्षतिग्रस्त किताब को 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खरीदने के लिए ब्लैकमेल करेगा। वांग ली का मोटा चेहरा गुस्से से भर गया और उसने कहा, मैंने इसे नहीं खरीदा, इसलिए उसने मुझ पर इस किताब को पढ़ने का झूठा आरोप लगाया। यदि यह एक ज्यानटियन जन्मजात शक्ति तकनीक थी तो 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन को भूल जाए, यहाँ तक कि 50,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी सस्ते होंगे, लेकिन यह स्पष्ट था कि तकनीक अधूरी नहीं होनी चाहिए या यह प्राप्त भी नहीं हो सकती 500 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन की कीमत।
ऐसी स्थिति बहुत ही सामान्य थी क्योंकि सभी को कोई गुप्त ग्रंथ प्राप्त नहीं हो सकता था, लेकिन इनमें से अधिकांश अपूर्ण थे और उतने मूल्यवान नहीं थे। यही कारण था कि यह स्वीकार्य था कि कोई व्यक्ति केवल 500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन्स के लिए एक पूरी जियानिटियल पावर तकनीक बेचने को तैयार था। मरो, तुम मुझ पर चुपके से हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मायान क्रूर लग रहा था, उसके हाथ अभी भी दर्द कर रहे थे और उसकी आंखें मारने के इरादे से चमक रही थी। एक कदम के साथ उसने ऊंची छलांग लगाए और एक शिवेन की ओर कूदा और उसकी मुक्का एक शक्तिशाली मुक्के से फट गया। टकराना, कैसे ये जिवेन इस आश्चर्यजनक हमले को नहीं रोक सकता था? उसने तुरंत अपनी हथेली फैलाए और अपनी मुट्ठी पकड़ ली। गड़गड़ाहट, ये जिवेन ने गड़गड़ाहट की आवाज पैदा करते हुए मायान की मुट्ठी पकड़ ली और उसे मरोड़ दिया। कारा, आह, मायान मरते हुए सुअर की तरह चिल्लाया। ये जिवेन ने सीधे अपनी कलाई मोड़ ली। चूंकि उसकी शक्ति अब 19 बाघों की सेना से अधिक थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह केवल 4 बाघों की शक्ति के साथ ही एक शिवेन की पकड़ में आने वाली ताकत का सामना कर सके। अंतर बहुत ज्यादा था। इसे लो, ये जिवेन चिल्लाया और उसे लात मारने के लिए अपना पैर उठा लिया। टकराना, मायान ने इस लात को इतनी अचानक और भयंकर रूप से सहा कि उसका शरीर टूटी हुई पतंग की तरह शानदार ढंग से उड़ गया, ऊपर उड़ गया और फिर जमीन पर गिर गया। अचानक उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। लोग ये जिवेन को घूरने लगे जैसे कि एक अविश्वसनीय अस्तित्व को देखते हुए। मायान को आंतरिक संप्रदाय के शीर्ष 20 शिष्यों में से एक माना जाता था, लेकिन अब किसी को नहीं पता था कि ये जिवेन द्वारा इतनी बेरहमी से लात मारने के बाद मायान जीवित थी या मृत और अभी भी बेहोश था। यह व्यक्ति कौन था? क्योंकि ये शिवेन हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे क्योंकि उनकी ताकत इतनी मजबूत कभी नहीं थी, इसलिए वहां मौजूद कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन है। चारों ओर हर कोई सोच रहा था कि ऐसा निर्दयी आदमी वास्तव में मायान को बेहोशी की हालत में भेजने के लिए कहां से निकला। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे 5वें चरण के शिखर पर होना चाहिए था। ऐसे आदमी को कोई राक्षस ही इतनी आसानी से हरा सकता है। बेशक चूंकि मायान कुख्यात था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने चुपके से तालियां बजाई। ये जिवेन को मां यान के शरीर पर एक किताब मिली, सेलेस्टियल सटेप। वह ठीक से नहीं दिख रहा था क्योंकि वह एक बड़ी भीड़ से घिरा हुआ था। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी का उपयोग नहीं किया था या यह कुछ ईर्ष्या का कारण बन सकता था जो अच्छा नहीं था। चलो चलते हैं, ये जिवेन वांग ली की ओर मुड़ी और बोली। उन्होंने जल्द ही बाजार छोड़ दिया। वांग ली इंतजार नहीं कर सके और पूछा, आप इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? जी कि मायान, आपकी किक ने वास्तव में उन्हें उड़ा दिया। अरे, मैं मूल रूप से यह शक्तिशाली था, ये जिवेन ने फिर हंसते हुए कहा। वह निश्चित रूप से रहस्यमय जगह के बारे में बात नहीं करेगा। बाह, मैं तो मजाक कर रहा था। दो दोस्त यूं ही चलते रहे, रास्ते भर अपने अपने घर लौट गए। ये जिवेन काफी समय से वापस नहीं आया था और उसी समय ये कोनगमिंग भी बाहर से घर वापस आया और उसे देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वापसी पर स्वागत है। इस बारे में कि ये शिवन घर वापस घर क्यों नहीं आया, उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट ऐसे अस्तित्व में थे, वह महीनों या यहाँ तक कि कई वर्षों तक या यहाँ तक कि 10 वर्षों से भी अधिक यात्रा कर सकता है और यह अभी भी नहीं होगा चौंका देने वाला। और ये जिवेन ने जाने से पहले ही उन्हें बता दिया था। अच्छा, तुम मजबूत दिख रहे हो, ये कोनगमिंग ने लगभग सिर हिलाया और कहा। उन्होंने हमेशा अपना बहुत ध्यान इस दत्तक पुत्र पर समर्पित किया था। आप पतले और कमजोर दिख रहे हैं, क्या आप ठीक से नहीं खा रहे हैं? माता पिता के लिए अपने बच्चों के लिए माता पिता की चिंता बहुत अलग हो सकती है। टीएल एकर भी, आप सही समय पर वापस आ गए हैं। स्कूल इनोवेटिंग में भाग ले जो 2 दिनों में शुरू होने जा रहा है, ये कोनगमिंग ने कहा। इस भव्य आयोजन में हमारा स्कूल एक बहुत ही उदार पुरस्कार की पेशकश कर रहा है और शीर्ष 100 रैंकर्स बहुत सारे पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं। हाँ पिताजी, ये जिवेन ने सिर हिलाया। बेशक वह इस स्कूल इनोवेटिंग में भाग लेने के लिए वापस आया था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसके पिता ने उम्मीद की थी, क्योंकि शीर्ष 100 रैंक के बजाय वह कम से कम शीर्ष 5 में आने की योजना बना रहा था। पूर्वज ने आपको क्यों बुलाया, माँ जिया चंगसुए ने ये कोनगमिंग से पूछा। झांग परिवार हमारे स्कूल के साथ मिलकर इस वर्ष की मुख्य शिष्य परीक्षा आयोजित करना चाहता है, ये कोनगमिंग ने कहा। झांग परिवार ने रक्त युवांग क्षेत्र में इस वर्ष की प्रमुख शिष्यों की बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है।
मुखिया ब्लड युआन टेरिटरी जिया चंगसुई हैरान थी। ये जिवेन ने भी देखा, वह निश्चित रूप से जानता था कि ब्लू युआन टेरिटरी क्या है। इस दुनिया में जेनवू जी के अलावा कुछ बड़े और छोटे आयामी स्थान भी मौजूद थे। इस संसार में स्वाभाविक रूप से बने ये स्थान कुछ आकार में बड़े थे, हजारों मील से कहीं अधिक, और कुछ केवल कुछ मील से छोटे थे। कई वर्षों के प्रजनन के बाद इन छोटे आयामों ने जीवन को जन्म दिया और अपने स्वयं के जीवन रूपों और पशु नस्लों को पुनः उत्पन्न किया। एक ब्लड युआन टेरिटरी एक ऐसा छोटा सूक्ष्म जगत था जिसमें सभी प्रकार के असामान्य जानवर असंख्य स्पिरिट ग्रास थे। इस छोटे आयाम का प्रवेश किनफेंग पर्वत में था और इस प्रवेश द्वार को खोलने की कुंजी युआन स्कूल के बड़े और झांग परिवार के कुलपति के हाथों में थी। किंवदंती थी कि झांग परिवार के पूर्वज और ये युआन स्कूल के संस्थापक ने मिलकर इस प्रवेश द्वार को कई साल पहले पाया था और उन्हें इससे बहुत लाभ हुआ था। अंत में उनमें से एक ने एक स्कूल बनाया और दूसरे ने शक्तिशाली झांग परिवार की नींव रखी। एक रक्त युआन क्षेत्र समय समय पर खुल जाएगा, लेकिन यह खुला नहीं रह सकता था और इसका कारण यह था कि यह बहुत छोटा था, इसलिए आत्म उपचार क्षमता कमजोर होगी। इसलिए बाद में खुलने के लिए इसे कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इसे सतत विकास कहा जा सकता है। टीएल पर्यावरण अध्ययन वर्ग कितना उदासीन। ब्लड युआन टेरिटरी में कई तरह के असामान्य जानवर पक्षी अनगिनत खजाने रहते थे। हालांकि जोखिम कारक अधिक थे, यहां तक कि जियानिटियन स्तर के विशेषज्ञ भी इस जगह पर गिर गए थे। हर बार आयाम खुलने पर ये युआन स्कूल के बड़े और झांग परिवार के गुरु एक साथ इस जगह पर गए, लेकिन अतीत में शिष्यों को कभी नहीं भेजा गया था क्योंकि समय अंतराल बहुत लंबा था, पूरे एक दशक, और शिष्यों की ताकत भी अपेक्षाकृत कम थी, इसलिए उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती थी। रक्त युआन क्षेत्र ये कोंगमिंग भड़क गए और कहा, यह इस साल ठीक उसी समय खुलेगा जब ब्लड युआन फ्रूट परिपक्व होगा और झांग परिवार ने इस साल के मुख्य शिष्यों की प्रतियोगिता को एक साथ आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है और शीर्ष 3 ब्लड युआन फ्रूट प्राप्त करेंगे। पुरस्कार के रूप में ब्लड युआन फ्रूट एक आध्यात्मिक फल था और ब्लड युआन टेरिटरी की विशेषता भी थी। यह जिस पेड़ पर उगता था वह क्षेत्र में काफी गहराई में स्थित था और यही कारण था कि आयाम को ब्लड युआन टेरिटरी नाम दिया गया था। जब कोई इस आध्यात्मिक फल का सेवन करता है तो जियानिटियन स्तर के विशेषज्ञ भी अपनी साधना के अगले चरण तक पहुंचने में सक्षम होंगे। बेशक यह आध्यात्मिक फल बहुत दुर्लभ था और यह 100 वर्षों में केवल एक बार परिपक्व होता था, अर्थात वे केवल इस फल को प्राप्त कर सकते थे एक बार रक्त युआन क्षेत्र को 10 बार खोलने के बाद। इसके अलावा मात्रा भी दुर्लभ थी, केवल 9। विजेता पक्ष को शेष 6 ब्लड युआन फलों में से 4 प्राप्त होंगे, जबकि हारने वाले पक्ष को सिर्फ 2 ब्लड युआन फल प्राप्त होंगे, ये मिंग ने कहा। यह कुछ भी नहीं था क्योंकि अतीत में ऐसी प्रतियोगिता होती थी और जीतने वाली पार्टी को अधिक पुरस्कार मिलता था जबकि हारने वाली पार्टी को कम मिलता था। मैंने सुना है कि हाल के वर्षों में झांग परिवार ने 3 बहुत शक्तिशाली प्रतिभाएं पैदा की है। वे बहुत छोटे हैं लेकिन 9वें चरण की ताकत पहले ही हासिल कर चुके हैं, शिया चंगसुए ने अचानक इसका जिक्र किया। आप सही कह रहे हैं, झांग परिवार स्पष्ट रूप से शीर्ष 3 रैंकों पर एकाधिकार करना चाहता है। ये कोंगमिंग ने उपहास किया, लेकिन चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। अभी फेंगर बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से गुजर रहा है और जब वह बाहर आएगा तो वह 9वें चरण तक पहुंचने में सक्षम होगा, फिर वह प्रतियोगिता के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता है। रक्त युआन फल अंत में कौन जीतेगा यह कहना मुश्किल है। ये जिवेन को पता था कि इस बार झांग परिवार के बुरे इरादे थे, लेकिन जाहिर तौर पर ये युआन स्कूल के बुजुर्गों की भी अपनी योजनाएं थी, इसलिए वह बहुत चिंतित नहीं था। मैं ब्लड युआन फ्रूट के बारे में चिंतित नहीं हूँ, लेकिन ब्लड युआन टेरिटरी आखिरकार बहुत खतरनाक है। क्या होगा यदि आप रक्त युआन क्षेत्र में एक भयानक राक्षस जानवर के सामने आते हैं, जिया चंगसियू ने अपने चेहरे पर चिंता के कुछ बिंदुओं के साथ कहा। इस बार ये फेंग और ये रुक्सियू को भाग न लेने दें। वैसे भी फेंग प्रा ने पहले ही 8वें चरण का शिखर हासिल कर लिया है और वह आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर है 9वें चरण तक, और तब वह ये युआन स्कूल के मुख्य संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होगा। क्या यह काफी नहीं है? फेंग रई युआन स्कूल के प्रमुख शिष्यों का एक उत्कृष्ट नेता है, इसलिए उसे भाग लेना होगा। और जब तक वे सावधानी से एक साथ मिलकर दुष्टात्माओं से लड़ेंगे कुछ नहीं होगा, ये कोंगमिंग ने विश्वास के साथ कहा।
ये बच्चे तुम जल्दी से वापस जाओ और आराम करो। आंतरिक शिष्य प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तुम्हारी शारीरिक स्थिति को सर्वोत्तम स्थिति में समायोजित किया जाना चाहिए। हाँ पिताजी, ये ज़िवेन ने कहा। ये ज़िवेन अपने छोटे से आंगन में वापस लौट आया, लेकिन उसने और कुछ नहीं किया। उसने वह किताब निकाली जो उसने माँ यान के शरीर आकाशीय कदम से उठाई थी। ये वो सीक्रेट बुक थी जिसे माँ यान कई लोगों को ब्लैकमेल करता था। ये ज़िवेन ने आकाशीय कदम को देखा और फिर महसूस किया कि यह दिव्य कदम एक ज्यानटियन स्तर की शक्ति तकनीक थी। हालांकि यह अधूरा था, केवल आधी सामग्री के साथ अभी भी बरकरार था। बेशक वह इसे चरम स्तर तक अभ्यास नहीं कर सकता था, लेकिन शक्ति भी एक सामान्य उच्च शक्ति तकनीक से कम नहीं थी और ये ज़िवेन के लिए यह लंबे समय तक चलने वाले मसौदे की तरह था। मीठी उससे मिलने के लिए उनके पास एक चपलता प्रकार की पैतरेबाजी तकनीक का अभाव था। हालांकि अशिंग थंडर हैंड और कोल्ड मून बीहेडर दोनों में चपलता थी, लेकिन ये निसंदेह खगोलीय कदम से कमतर थे क्योंकि चपलता इसकी विशेषता थी। ये ज़िवेन ने सोचा था कि प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद वह चपलता जैसी तकनीक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय जाएंगे, लेकिन अब उन्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। आकाशीय कदम वास्तव में एक अधूरी तकनीक थी, लेकिन उसके लिए वर्तमान ये ज़िवेन यह पूरी तरह से पर्याप्त था और भविष्य में अगर उसे कभी मौका मिला तो वह इस तकनीक को पूरी तरह से परिपूर्ण करेगा। उपरोक्त विवरण के अनुसार आकाशीय चरण छोटे दायरे वाले युद्धाभ्यास के लिए उत्कृष्ट था। जब एक छोटे से दायरे में युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता था तो यह अत्यंत उपयोगी था। ये ज़िवेन ने पहले मिसिंग मून बीहेडर का अभ्यास करने का विचार रखा, क्योंकि वैसे भी उसका न्यू मून बीहेडर स्कूल के इनर वेटिंग में भाग लेने के लिए पर्याप्त से अधिक था, क्योंकि शिष्यों के लिए प्राथमिक शक्ति तकनीक में भी पूरी तरह से महारत हासिल करना दुर्लभ था। अकेले एक मध्यवर्ती शक्ति तकनीक प्रश्न से बाहर थी। अब सबसे पहले आकाशीय कदम का अभ्यास करना महत्वपूर्ण था। टीएल, मुझे लगता है कि उसे आराम करने के लिए कहा गया था। दी, ये ज़िवेन ने अपनी आंखें बंद कर ली, रहस्यमय अंतरिक्ष में प्रवेश किया और सेलेस्टियल सटेप की गुप्त पुस्तक में वर्णित अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह बहुत सारे आत्मा के पत्थरों को जलाने लगा और नवगठित आध्यात्मिक क्यूई उसके शरीर में प्रवेश कर गया। फिर स्वर्गीय कदम की उसकी समझ भी नाटकीय रूप से बढ़ने लगी। ये ज़िवेन ने लगातार रहस्यमय अंतरिक्ष में युद्धाभ्यास कौशल का अभ्यास किया। उसकी चलती हुई छाया शुरू में धीमी और जंग लगी दिखती थी, लेकिन वह जल्दी ही कुशल और कुशल हो गई। समय बीतता गया, 2 दिन पलक झपकते बीत गए। अपने छोटे से आंगन में अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन इसके बजाय वह तुरंत कई कदम चला और दूर कोने में उसकी आकृति दिखाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि केवल 2 दिनों में वह पहले ही आकाशीय कदम के तीसरे स्तर जियोचेन पर पहुंच गया था। तकनीक को चैनल में पहली झलक, आंतरिक कक्ष में प्रवेश, जियोचेन और परिणाम में विभाजित किया गया था। हालांकि केवल 4 स्तर थे, लेकिन प्रत्येक स्तर के बीच एक बड़ा अंतर था और तीसरे स्तर तक पहुँचने के अभ्यास में काफी समय लगना चाहिए था। यह उल्लेख नहीं करना कि यह एक उन्नत मार्शल आर्ट तकनीक थी, लेकिन ये ज़िवेन के लिए यह वैसा नहीं था जैसा कि उसके पास अभ्यास करने में मदद करने के लिए वह रहस्यमय स्थान था। जहां एक दिन के लिए अभ्यास करना दूसरों के लिए 100 दिनों के अभ्यास के बराबर था या इससे भी अधिक, और निश्चित रूप से जो कीमत चुकानी पड़ी थी वह थी आत्मा पत्थरों की पागल खपत। केवल 2 दिनों में आकाशीय कदम के तीसरे स्तर में महारत हासिल करने के लिए मूल रूप से उसके पास 2000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन थे, जिनमें से 1500 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पहले ही समाप्त हो चुके थे। शेष 500 स्वर्गीय कदम के अंतिम स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिसके लिए कम से कम 1000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता थी। हालांकि इस समय दिव्य कदम के अंतिम स्तर का अभ्यास करने का समय नहीं था, क्योंकि अंत में स्कूल इनर वेटिंग शुरू हो गया था। टीएल, दिव्य चरण के विभिन्न स्तरों के नामों के बारे में मुझे भी यकीन नहीं है। सूरज की रोशनी बादलों को तोड़कर धरती पर चमकने लगी। क्विनिफेक पर्वत ने एक नए दिन का स्वागत किया। पहाड़ पर ऊपर और नीचे हर जगह एक मुस्कुराते हुए चित्र की तरह था। किनफेक पर्वत पर ये युवान स्कूल में 10,000 से अधिक लोग प्रतियोगिता शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहे थे।
जहां वास्तव में केवल 1000 लोग ही स्कूल के इनोवेटिंग में भाग लेंगे, क्योंकि हर कोई भाग नहीं ले पाएगा, क्योंकि कुछ लोगों में ताकत की कमी थी इसलिए भाग ले सकते थे घातक हो। केवल एक निश्चित रैंकिंग हासिल करने या अपने स्तर का परीक्षण करने में रुचि रखने वाले ही भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता अनिवार्य नहीं थी, इसलिए केवल इच्छुक शिष्य ही भाग ले रहे थे। उनमें से बाहरी संप्रदाय के शिष्य जिन्होंने पंजीकृत किया था उनकी संख्या 800 थी और भीतरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या केवल 400 थी। हालांकि ये संख्या पहले की तुलना में अधिक थी, क्योंकि इस बार प्रतिस्पर्धा विशेष रूप से भयंकर थी और इसका कारण काफी सरल था। अतीत में केवल शीर्ष 50 को पुरस्कार मिला था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया, जिसका अर्थ है कि शीर्ष 100 को समृद्ध पुरस्कार प्राप्त होंगे। यह केवल अधिक आंतरिक और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भाग लेने के लिए आकर्षित करने के लिए किया गया था। ये ज़िवेन और वांगली दोनों प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। वांगली ने कुछ उत्साह के साथ कहा, या इस बार तुम्हें एक अच्छी रैंक प्राप्त करनी है। वांगली ने इस बार भाग नहीं लिया। शीर्ष 100 रैंकों में आने के लिए कम से कम एक को चौथे चरण में होना चाहिए, लेकिन उन्हें अभी हाल ही में एक सफलता मिली थी। वह अच्छी तरह जानते थे कि उनके पास इस बार मौका नहीं था। वास्तव में वह इतना महत्वाकांक्षी कभी नहीं था। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। मैंने खबर सुनी कि मा यंग आपसे निपटने की योजना बना रही है। वांगली ने गंभीरता से कहा, मा यंग ने अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए दूसरों को आपको अपंग बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुझे अपंग हम देखते हैं कि उसके पास कौशल है या नहीं, ये ज़िवेन ने उपहास के साथ कहा। जगह भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। ये ज़िवेन सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची और अपने लिए सीरियल नंबर 127 निकाला। एक ही सीरियल नंबर के दो नंबर थे। पहला प्रतिद्वंद्वी वह होगा जो एक ही सीरियल नंबर निकालेगा। एक बार समय आ गया। ये युवान स्कूल के भीतर प्रमुख व्यक्ति क्रमिक रूप से पहुंचे। वे उच्च मंच के ऊपर उड़ान भरने के लिए फ्लाइंग हाई फॉल स्टेप तकनीक का उपयोग कर रहे थे। टीएल, इसे वॉली वर्चुअल स्टेप भी कहा जा सकता है। सभी शिष्यों की आंखों में ईर्ष्या का भाव झलक रहा था। हालांकि ऊंचे झूठे कदमों की उड़ान वास्तविक उड़ान नहीं थी, लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वे आसानी से प्राप्त कर सके। सभी ने इस प्रदर्शन के लिए अपनी सांसें दबा ली। वे ये युवान स्कूल के वरिष्ठ और स्कूल का समर्थन करने वाले सच्चे रील थे। युवान कबीले के लोग और झांग कबीले पहले से ही किनफेंग पर्वत और आसपास के क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली समानांतर ताकतें थी, और अगर उनका प्रदर्शन अच्छा था वे किसी बड़े से पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, जिससे एक उल्का वृद्धि होगी। यह अतीत में हुआ था। ये ज़िवेन ने उन बड़ों में अपने पिता ये कोंगमिन की आकृति देखी। बड़ों के समूह के बीच यह विशिष्ट नहीं लगता था। स्थल बहुत विस्तृत भूमि क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। प्रतियोगिता के लिए 200 मंच टीएल अरेनासिया रिंग रखे गए थे। वांग ली और ये ज़िवेन दोनों नंबर 127 एरिना में गए। आप नंबर 127 रिंग के अन्य प्रतियोगी हैं। ये ज़िवेन ने अभी एक बड़े और लंबे शिष्य को देखा जो हंसते हुए उसके पास चला गया और कहा, वास्तव में आपकी किस्मत खराब है। अप्रत्याशित रूप से शी फेंग भाई से टकरा गए हैं। बस हार मान लीजिए। शी फेंग भाई ने पांचवें चरण का शिखर हासिल कर लिया है। भले ही शीर्ष 50 रैंक में आने के लिए वह निश्चित रूप से सक्षम है, वह लंबा शिष्य जारी रहा। आप यदि आप जल्दी नहीं करते हैं और अभी हार मान लेते हैं, तो समय आने पर आपके शरीर के कुछ हिस्सों को खोने से पहले हार मान लेना मुश्किल होगा। वांग ली का रंग भी बदल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में शी फेंग होगा। आह यार, यह बहुत बुरा है कि आपका पहला प्रतिद्वंद्वी शी फेंग निकला। उसके तरीके बहुत दुर्भावनापूर्ण और क्रूर हैं। 3 साल पहले प्रतियोगिता में कई शिष्य थे जिन्होंने हार मान ली थी। उनकी हड्डियां टूट गई थी, जिससे 6 महीनों की चोटें। काफी धमकाने वाला, ये ज़िवेन ने कहा। धमकाने? हाँ हाँ हाँ, लंबे समय से किसी ने मुझे धमकाने वाला नहीं कहा है। अचानक अखाड़े में हंसी की एक लहर फैल गई। मुझे लगता है कि आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, क्योंकि किसी ने मुझे आपके पैर तोड़ने के लिए कहा है। ये शिविन ने ऊपर देखा। वहाँ उसने एक ऊंचे टॉवर जैसे युवक को देखा जो ये शिविन को देख रहा था। एक क्रूर मुस्कुराहट वाला चेहरा। यह शी फेंग था। लड़का, क्या तुम अब ऊपर आने की हिम्मत करते हो? शी फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक आप 100 बार प्रणाम करेंगे मैं आपको छोड़ दूंगा। वह आप पर निर्भर करता है। ये शिविन ने उपहास किया और कूद पड़े।
अब जब तुमने मेरे पैरों को तोड़ने के लिए दूसरों से लाभ प्राप्त किया है तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों का फल भुगतने दूंगा। युवा लड़के, तुम वास्तव में ऊपर आने की हिम्मत करते हो। एक चाल, सिर्फ एक हिट के साथ मैं तुम्हें हरा दूंगा। शी फैंग जोर से हंसे। 127वीं अखाड़ा लड़ाई शुरू। रेफरी ने उन दोनों को खड़े और तैयार देखा, फिर अपना मुंह खोला और बोला, जैसे पिछले दो संवादों के लिए उसने अनसुना कर दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। जैसे ही रेफरी की आवाज गिरी, शी फैंग गुलेल से गोले की तरह बाहर निकला। हालांकि लंबा था, लेकिन उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। वो ये जिवेन की ओर दौड़ा। हालांकि यह व्यक्ति ढीठ था, लेकिन उसकी ताकत असली सौदा थी। हालांकि उसकी चपलता उच्च स्तर पर नहीं थी, लेकिन विस्फोटक शक्ति बहुत बड़ी थी। पलक झपकते ही वह ये जिविन के सामने आ गया था। शी फैंग ने बुरी तरह से मुस्कराते हुए अपना बड़ा हाथ खोलकर सीधे ये जिविन का सिर मरोड़ दिया। एल्डर्स, ये क्या आपका बेटा 127वें प्लेटफॉर्म पर लड़ रहा है? ये कोंगमिंग के पास बैठे बुजुर्ग ने कहा। यह मेरा बेटा है। ये कोंगमिंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। मुझे याद है, एक दशक से भी अधिक समय पहले जब वह वापस लौटा तो उसे गले लगा रहा था। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन पलक झपकते ही एक दशक से अधिक समय बीत चुका है। वह पहले से ही इतना बड़ा है, बड़े ने भावुक होकर कहा। उनका प्रतिद्वंद्वी कठिन हो सकता है, बड़े ने अंगूठी को घूरते हुए कहा। जन्मजात प्राकृतिक शक्ति, वह एक औसत व्यक्ति से अधिक दुर्जय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उसे अनुभव प्राप्त करने की अनुमति देगा। ये कोंगमिंग मुस्कुराए जैसे उन्हें कोई परवाह ही न हो, लेकिन उनकी आंखें कसकर रिंग में बंद थी, कुछ चिंतित थी। टकराना, ये जिवेन ने अपनी हथेली बाहर निकाली। यह सीधे शी फैंग के बड़े हाथ पर लगी। दोनों पक्षों ने सीधे टक्कर का कारण बना, जिससे एक विशाल वायु विस्फोट की आवाज आई। ये जिवेन वहां शांत और निश्चल खड़ा था। शी फैंग के पास एक जन्मजात प्राकृतिक शक्ति थी। हालांकि उसने अभी 5वें चरण का शिखर हासिल किया था, लेकिन उसके हाथ में ताकत 6ठे चरण के मास्टर्स की तुलना में 6ठे चरण से बिल्कुल ऊपर थी। लेकिन वह फिर भी एक शिवेन को जरा सा भी नहीं हिला सका। असंभव, शी फैंग की गाय जैसी आंखों की एक जोड़ी ये जिवेन को देखकर आश्चर्य से भरी हुई थी। अविश्वसनीय रूप से, भले ही वह 6ठे चरण का मास्टर था, उसकी ताकत थोड़ी भी कम नहीं थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से ये जिवेन हिली नहीं। बूम, तेज आंधी की आवाज के साथ ये जिवेन की हथेली ने टारपीडो के आकार के क्यूई के एक समूह को बाहर निकाला। बिजली की गति के साथ विशाल और शक्तिशाली एक हथेली ने शी फैंग की छाती को दबा दिया। टकराना, ये जिवेन की हथेली से गोली लगते ही शी फैंग का टॉवर जैसा शरीर उड़ गया। उसका खून चारों ओर फैल गया, उसके शरीर की हड्डियां आधी टूट गई और वह सीधे मंच से गिर गया। क्या यह कैसे संभव है? दर्शक हंगामा कर रहे थे। इस लड़ाई पर ध्यान दे रहे सभी लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वे इस शी फैंग के बारे में बहुत आशावादी थे, लेकिन वो ये जिवेन की एक चाल को भी नहीं रोक सके। वास्तव में उन्हें अखाड़े से बाहर उड़ते हुए भेजा गया था। कोई नहीं जानता था कि वह जीवित है या मर गया। धोखा दे रहा है, वह धोखा दे रहा होगा। कई शिष्य जो शी फैंग के करीब थे, उन्हें अचानक स्वीकार करना मुश्किल हो गया और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। उन्होंने निश्चित रूप से शी फैंग भाई के खिलाफ साजिश रची है। एक संक्षिप्त उपस्थिति बनाई और शी फैंग को उड़ते हुए भेजा। यह कैसे संभव था? बंद करना, रेफरी ने ठंडी आवाज में कहा। कौन सही था या गलत, उसने बहुत स्पष्ट रूप से देखा। उन जूनियर्स को उसे सिखाने की जरूरत नहीं थी कि उसे क्या करना है। यह प्रतियोगिता, ये जिवेन जीतती है, अब वह दूसरे दौर में प्रवेश करेगी। बेवकूफ, ये शिवेन ने उन शिष्यों की ओर देखा। शी फैंग हालांकि सिर्फ एक छोटा मोहरा था, संभवतः मायंग पीछे था, लेकिन कोई जल्दी नहीं थी। मायंग लोकप्रिय थी। चैंपियनशिप जीतने के लिए जल्दी या बाद में वे निश्चित रूप से मिलेंगे। अच्छा अच्छा, अप्रत्याशित रूप से मैं पूरी तरह से गलत था, ये कोंगमिंग के पास बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा।